गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले बताओ कि कैसा आपका फर्स्ट डे चल रहा है सुबह से? हाँ, थोड़ा चल रहा है। हाँ, बस चल रहा है। क्या बस चल रहा है? सेकंड ग्रुप में कन्वर्ट होने की फीलिंग आई है क्या? हाँ, फर्स्ट से सेकंड में आप मेरे को देख के नहीं आए। ऑल राइट, सो नए नए सब्जेक्ट्स देख के ज़रूर आ जाएगी, दो तीन दिन में मालूम पड़ जाएगा। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 10 दिन तक तो थोड़ा सा सिचुएशन रिलैक्स वाली होगी। होता है ना, नया नया होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, होमवर्क कम होता है, बच्चों को खुश किया जाता है, नया नया प्यार नया नया प्यार पार्टी दी जाती है, पार्टी नहीं दी जाती है। अरे मेरे साथ ऐसा होता था कि पहले दिन कोई क्लास में जाओ तो ऐसा पहला क्रश कहाँ क्रश, बोले क्रश थे हम लोग यहाँ पे। सो चलिए, एनीवेज आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी ग्रुप टू का, राइट? अभी आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप वन के एग्जाम देने के बाद आए हैं, ऐसा कोई है क्या? ऑल राइट, ओके ओके, ग्रुप वन का एग्जाम देने के बाद आए। सो देखिए, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका अभी एक सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, ऑडिट, बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है? ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका एक बार उसमें स्ट्रेंथ आ गया तो आपको वो आर्टिकलशिप में सर की बताई हुई चीज़ें याद आएंगी, लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। सर रवि सर की मैं बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त लेवल पर उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो है ही है, क्योंकि वो बिग फोर से कनेक्शन उनका इसीलिए है क्योंकि वो आर्टिकलशिप बिग फोर में कर चुके हैं, फिर उसके बाद बिग फोर में ही उनको सीए बनने के बाद वो बिग फोर में, सर कितने साल? नहीं सर, आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप फर्स्ट थिंग आई डिड बिफोर बिकमिंग सीए आल्सो इज टीचिंग, इज टीचिंग, राइट? मतलब आई नेवर वेंट टू जॉब और प्रैक्टिस एनीथिंग, आई स्टार्टेड विद टीचिंग। ओके, सो द बेस्ट थिंग कि आपके सामने जो टीचर खड़े हैं ऑडिट के, उनके पास ऑडिट का खुद का एक्सपोजर है। कई सारे ऐसे जगह पर मैंने देखा है कि एक्सपोजर ज़्यादा होता नहीं है और इस वजह से अपन एक सिर्फ बुकिश नॉलेज देते हैं, ऐसी चीज़ स्पेशली आपको रवि सर के केस में तो नहीं मिलने वाली। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं रवि सर की बुक्स का फ़ैन हूँ एक्चुअली, और मैंने बुक्स पे अभी जो भी इम्प्रूवमेंट किए हैं वो रवि सर की बुक्स में से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। जिस तरीके से उन्होंने बुक्स में लिंकिंग किया है क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स के साथ, कॉन्सेप्ट वाले बुक में क्वेश्चंस का लिंकिंग जिस तरीके से किया है, इसका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, आपको रवि सर आज बताएंगे ही बताएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ जस्ट हैव फेथ ऑन yourself, just have faith on a faculty, whatever it is। एक बहुत अच्छी बात सबसे ये है कि आप safe hands में हो। The most important thing of thing या objective बोले वी स्मार्ट का, कि यहाँ पर teaching हमेशा first है, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि time pass कम से कम हो और teaching पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और ये चीज़ हम prove कर चुके हैं आपके लिए ही group one के अंदर। वो चीज़ carry on होगी उसी तरीके से, उसी जोश के साथ ग्रुप टू में। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। पहले दिन से ऑडिट सब्जेक्ट को इस तरीके से डील करिएगा रवि सर के साथ मिलकर कि आपका ऑडिट एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। करोगे कि नहीं करोगे? ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट गाइस। रवि सर, थैंक यू। जय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। चलिए, ओके सर, थैंक यू। So guys, are you ready for the show? Yes sir. Yes no? Yes sir. Online वाले बच्चों, आप भी अपना जोश जोरदार रखो, इतने जोर से चिल्लाओ कि घर वाले भी बोले क्या हो रहा है। Guys, पहला दिन बहुत ही जोरदार होता है, मजेदार होता है। आप देखते हो प्रोफेसर भी दूल्हे बन के आते हैं और मैंने देखा लोग आज ही फोटो खिंचवा रहे हैं, ये तो लास्ट डे। बोले सर मोमेंट मिला, खींच डालो। तो गाइज, पहला दिन आप लोगों का भी जोश हाई होगा। यस नो? यस सर। बिल्कुल हाई रहना चाहिए।
और आपने भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो जोश पहले दिन है वही जोश आखिरी दिन होना चाहिए। गाइज अपना मोटो, अपना टैगलाइन एकदम सिंपल है, जो भी पढ़ेंगे स्मार्टली पढ़ेंगे। क्या बोला? जो भी पढ़ेंगे स्मार्टली पढ़ेंगे, और सीधी बात नो बकवास। इस प्रिंसिपल के ऊपर अपन अपनी पूरी बैच को निकालने वाले हैं। आज का पहला दिन, सबसे पहले थोड़ी बहुत मेरी बातें, क्लास की बातें, क्लास कैसे चलने वाला है, सब्जेक्ट की बातें, हम क्या करने वाले हैं, आपकी थोड़ी सी बातें कि आपने क्या क्या सुन रखा है ऑडिट को लेकर, करेक्ट। चलो उससे ही शुरुआत करते, पहले बताइए आपने क्या क्या सुन रखा है ऑडिट सब्जेक्ट को लेकर, कि कितना महान सब्जेक्ट है ये, कितना प्यारा सब्जेक्ट है ये। यस सर, क्या सुना है आपने? फेल कर देता बोले फेल करने में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? बोले ऑडिट का है। ओके, और बाप रे इतनी इतनी प्यारी बात है। और ग्रुप टू का कॉस्टिंग, वाह ये पहली बार सुना है। ग्रुप टू का कॉस्टिंग क्या है? बोले तो ऑडिट। ओके, और थेरी सब्जेक्ट है? बोले थेरी ही थेरी, बहती जाती है थेरी ऐसा। ओके, और यस कितना भी करो खत्म ही नहीं होता है, हम खत्म हो जाते हैं लेकिन सब्जेक्ट खत्म नहीं होता। ग्रेट, कसम से मैं सोच रहा हूं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल जाए कहीं बोले तुम अच्छा पैसा, वाह पैसा, क्लास के बाद ऑडिट से मैं कमाऊंगा पैसा, चलो ग्रेट पैसा। ओके, व्हाट एल्स? फ्रॉड, ऑडिटर पकड़ता है फ्रॉड, नहीं पकड़ता तो पैसे खा लेता है। हाँ ओके गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन पढ़ने को लेकर सर डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सर फेल होते हैं, इसको पढ़ना मुश्किल होता है, खत्म ही नहीं होता है, याद करना मुश्किल होता है। गाइस हैविंग सेड ऑल दीस थिंग्स, आई अश्योर यू वन थिंग, जो मैं बोल रहा हूं वैसा आप करिए। दिस सब्जेक्ट कैन बी वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, और आप इसमें चौके छक्के मार सकते हो। अभी मैं आपको कुछ समय बताऊंगा कि कैसे बड़े आसानी से आप 60 तक पहुंच सकते हो, बड़े आसानी से। और अगर आपको गलत लगे, नहीं सर कुछ भी बोल रहे हैं आप, तो फिर आप मुझे बोलना, ठीक है? ओके, बिल्कुल ऑनलाइन भी सर फेल हो सकते हैं, डोंट वरी गाइस, हम एक नंबर पढ़ाएंगे। ओके गाइस, तो 1st of June से आज हम शुरू कर रहे हैं, यहां से फेस टू फेस क्लासेस भी हो रही है, ऑनलाइन भी स्ट्रीमिंग होगी, और रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलने वाला है। इस बैच की सबसे खास बात क्या पता आपको? पिछले बार यही बैच 15 दिसंबर को शुरू हुई थी, 15th of December, और इस बार शुरू हो रही है 1st of June। यू गाइज आर सुपर लकी, 15 दिन तुम्हारे पास ज्यादा है। कोविड के वजह से इतना तहस नहस हो गया था पूरा शेड्यूल, फाउंडेशन के एग्जाम लेट हो गए एंड सो ऑन। सो गाइज आप लोग खुद को बैक करिए, 15 दिन आपके पास ज्यादा है तो बोध रूप आप बहुत अच्छे से फोड़ सकते हो। और ये ध्यान रखना 15 days, और 15 days का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंटर में भी मेरे को 15 दिन ज्यादा मिले थे, और फाइनल में भी मेरे को 15 दिन ज्यादा मिले थे। सर कैसे? दोनों टाइम को इलेक्शन आ गया था सही, इलेक्शन इज द ओनली थिंग जब आपकी सीए की एग्जाम पोस्टपोन होती है, और इंटर में भी 15 दिन, और वो 15 दिन मैं बोलता हूं मेरे रैंक को डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया। यू नेवर नो, ये वो 15 दिन आपके लिए हो सकते हैं। यस नो? ओके गाइस, हमारे अराउंड 60 लेक्चर्स रहेंगे, 120 आवर्स हर लेक्चर, 2.25 घंटे का। देखो आजकल वेब सीरीज के जमाने में और मूवीज के जमाने में 2 घंटे के ऊपर की मूवी जमती नहीं है। वेब सीरीज में भी हर 10-15 मिनट में सीन चेंज करते थे, अलग अलग कहानी। यस नो? तो ऑडिट जो सब्जेक्ट है 2.25 घंटे बेहतरीन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द शेड्यूल, लंच के पहले है, क्योंकि लंच के बाद तो जो माहौल बनता है कसम से, करेक्ट। प्रोफेसर अपनी दुनिया में, बच्चे अपनी दुनिया में, ऐसे आधे घंटे बाद दोनों मिलते हैं, हाँ। सो गाइज एकदम बेस्ट टाइम है ऑडिट का, सुबह की सुस्ती जा चुकी है, लंच के बाद की सुस्ती आने की है, अभी जूस एकदम बढ़िया भरा हुआ है,
अभी सही टाइम है ऑडिट पढ़ने का, करेक्ट। 120 लेक्चर्स, 120 आवर्स के हम लोग करेंगे। 31 जुलाई हमारा डेडलाइन, हम लोग ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है 4-5 दिन अगर किसी वजह से छुट्टी हुई तो हो सकता है, दैट्स अ डिसेंट टाइम। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम क्लास में ही करेंगे। आजकल बच्चे बहुत बिजी हो गए हैं ना, टाइम बिल्कुल नहीं है। घर जाना, ठीक है, सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, बात करना पड़ता, फिर इतना प्रेशर होता है, इंस्टा की टाइमलाइन स्क्रॉल करो, कपड़े धोना पड़ता है। देखो ऐसे 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 लुखे भी है जिनके लाइफ में सिर्फ यही है कि भाई कपड़े धोना पड़ता है, टिफिन धोना पड़ता है, करेक्ट। तो इतने बिजी शेड्यूल में हमने देखा कि जितनी पढ़ाई क्लास में हो जाए उतनी अच्छी है। आई एम ट्रूली स्पीकिंग, इतने डिस्ट्रैक्शंस हो गए कि आज की डेट में अगर कोई काम करना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो कंटिन्यूसली टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, नहीं तो अकेले हम एकांत में चले जाते हैं। एकांत में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं किसी को पता नहीं है, और एक घंटा दो घंटा ऐसे निपट जाता है। क्लास के क्लास में मैक्सिमम पढ़ाई करेंगे, जो होमवर्क भी दूंगा मैं प्रैक्टिस सेशन, मैंने और जय सर ने तय कर लिया है कि डेली प्रैक्टिस सेशन रहेगा, या तो जय सर का या तो मेरा, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, ताकि आपकी सेल्फ स्टडी को भी हम ट्रैक पे लेकर आए कि भाई प्रैक्टिस सेशन के टाइम तक खाना वाना खा के सब कुछ करके मैं शुरू हो जाऊं, जैसी प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ मेरी सेल्फ स्टडी भी शुरू हो जानी चाहिए। हफ्ते में 3 दिन जय सर रहेंगे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, और TTS मैं रहूंगा हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। मैं लेकिन अभी मैं शुभम सर से बात करा तो बोले प्रैक्टिस सेशन से बच्चों को बहुत फायदा हुआ, तो मुझे जो समझ में आया कि यार घर जाने के बाद में ना किताबें उठाने का ऐसा मूड बहाना पड़ता है कि अब मैं किताबें उठाऊंगा, अब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। अच्छा, उसके पहले भी एक फेज आती है, क्या पढ़ू, मैं एक घंटा निकल जाता है, तो क्यों सोच रहा है इतना। प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है, उसमें जुड़ जा और तेरी सेल्फ स्टडी को शुरू कर दे, सो वी विल बी देयर गाइस। खास बात अपनी, तो अपन रैंक होल्डर रह चुके हैं, इंटर लेवल पे रैंक होल्डर रह चुके हैं, और उसमें भी फाउंडेशन लेवल अगेन आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर, देन इंटर में रैंक था एंड सो ऑन, तो आई हैव सीन वो सारी चकाचौंध, एकदम लोग पीछे पीछे आपका इंटरव्यू, और मैंने तो बहुत पहले रैंक लाया था, आपका फोटो, पार्टीज हो रही है हर जगह, वाहवाही हो रही है, आर्टिकलशिप कौन से बिग फोर से करनी है आपको बताओ, वो बिग फोर में करवा देंगे, वहाँ पे हो जाएगा सब कुछ, एंड देन आई हैव सीन द फेलियर ऑल्सो। फाइनल में एक बार में मेरा एक ही ग्रुप निकला, दूसरी बार भी मैं फेल हो गया था, इंस्टीट्यूट ने रिवैल्यूएशन में बोला नहीं आप पास हो गए थे, 9 मार्क बढ़े थे मेरे, 9 मार्क, मैं बोला मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, बस पास की मार्कशीट डाल दे दो, जब तक घर पे पोस्ट से आई नहीं तब तक मैंने सेलिब्रेट किया नहीं, सिर्फ मम्मी पापा को बताया और बोला किसी को नहीं बताना, यू नेवर नो, बोलेगी गलत हो गया है। सो गाइज आई हैव सीन द लोज ऑल्सो, फेल होते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं, अकेले रह जाते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो सोचते हैं, हाउ टू फाइट बैक कंपैरिजन, इसको मैंने पढ़ाया था ये पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये कैसे हो गया, आई हैव सीन दैट ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं लाइफ में पढ़ाने वाला हूँ, दैट वॉज नॉट माई इनिशियल प्लान, बट देन दोज एक्सपीरियंसेस आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ देम विथ यू, वो एक्सपीरियंसेस से आप हाई अचीवमेंट में कैसे जा सकते हो वो भी देखेंगे, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे शायद आपको भुगतना पड़ सकता है वो भी हम लोग देखेंगे गाइज, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आप वापस फाइट बैक कर सकते हो। गाइज आई हैव बीन, जो ऑडिट का महाभारत जहां पे होता है कुरुक्षेत्र, बेस्ट लेवल ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, अगर आज भी कोई नई चीज सबसे पहले ऑडिट में आती है तो बिग फोर्स में आती है, यू मस्ट बी अवेयर, यस नो, बिग फोर्स में कितने लोग हैं, 4 कुछ लोग सोच कितने हैं, 4 कौन कौन है, डेलॉइट है, PwC है, KPMG है, अर्न्स्ट एंड यंग है, ये लोग
नाउ डेकेड्स से ये लोग रूल कर रहे हैं ऑडिट मार्केट, और इनको बिग फोर बोला जाता है, और इन सब का भी एक बाप था जो इन सब को ऐसे दबा के रखता था, उसके सामने कुछ भी नहीं थे, आर्थर एंडरसन, बिग फाइव था पहले, खत्म हो गया, खत्म. दे वेर इन्वॉल्व इन फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन. यूएस की सेवेंथ लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी एनरॉन उसमें इन्वॉल्व थे. यूएस अथॉरिटी ने बोला बहुत बुरा किया, 90 देशों में उनका ऑफिस था, सब खत्म. आज के डेट में अगर आप ऑडिट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो तो उसका रिजल्ट द एंड हो सकता है. एक हफ्ते में आर्थर एंडरसन पूरा खत्म हो गया. सो दैट सेंसिटिव ऑडिट इज इन टूडेज वर्ल्ड. आपने एक गलत रिपोर्ट दी, आपकी मेंबरशिप हमेशा के लिए कैंसिल हो सकती है, आपके ऊपर 10-15 करोड़ का जुर्माना लग सकता है. एज वी आर गोइंग अहेड इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर सेंसिटिव. एनीवेज, पीडब्ल्यूसी में काम करने का मौका मिला, बेस्ट ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, और पीडब्ल्यूसी के हाथ से जब सबसे बड़ा कांड हुआ था सत्यम, तो मैं मुंबई ऑफिस में था, आई वॉज इन मुंबई ऑफिस, और स्कैम हुआ था हैदराबाद ऑफिस से. एंड दैट स्कैम, वो दिन आई रिमेंबर, टॉप जितने भी टॉप प्लेयर्स, टॉप परफॉर्मर्स है, सबको बुलाया गया. सीबीआई को कौन सी टीम संभालेगी, फाइनेंस मिनिस्टर से कौन कोऑर्डिनेट करेगा, वहां पे लोकेशन पे कौन रहेगा, एंड सो ऑन. फुल अलर्ट पे था पीडब्ल्यूसी, फुल अलर्ट, आई हैव सीन दोज टाइम्स. और अगले दिन पीडब्ल्यूसी आता है और हेडलाइंस होती है, हमने तो ऑडिट किया ही नहीं. मैं बोला भाई क्या किया इन लोगों ने, हमने ऑडिट किया ही नहीं. बहुत शातिर लोग हैं ये लोग, बहुत शातिर. पीडब्ल्यूसी ने सालों पहले एक फर्म को मर्ज किया था, अपने से मर्ज भी नहीं किया था, अपने साथ रखा था, लवलॉक एंड लुइस, LNL बोलते थे, और कुछ एम्प्लॉयज के पास पीडब्ल्यूसी का आइडेंटिटी कार्ड नहीं था. कौन सा था? लवलॉक एंड लुइस. और सत्यम वॉज साइंड बाय लवलॉक एंड लुइस, नॉट पीडब्ल्यूसी. शायद पहले ही उन्होंने देख लिया था कि ये क्लाइंट रिस्की, कभी भी उड़ सकता है और हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ सकता है. एंड देन दे सेड, मैं उस दिन में फैन हो गया, भाई क्या लोग है ये, क्या शानदार प्लानिंग है. एंड दे वर हैविंग सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास में, इतनी फाइलें थी, कोई कुछ नहीं बोल पाया पीडब्ल्यूसी का, कुछ नहीं. हाँ, नाम बहुत खराब हुआ, लोगों ने अपने ऑडिट्स निकलवा लिए, लेकिन लीगली पीडब्ल्यूसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हो पाया. दे वेर वेरी स्ट्रांग इन देयर डॉक्यूमेंट्स. सो आई वॉज देयर, सो दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ वॉज ट्रेमेंडस. और मैं चाहता हूं कि ऐसा एक्सपोजर आप लोगों को भी मिले, लेकिन वहां पे तुमको पिसना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, फिर तुम कुछ बन के निकलोगे. एंड देन गाइज, आई एम an ऑडिट स्पेशलिस्ट, सो आई ईट, ड्रिंक, स्लीप, ड्रीम, इट्स ऑल अबाउट ऑडिट, इट्स कंप्लीटली ऑडिट. और उसमें भी खास बात, जनरली जब मैं मेरी बैचेस प्लान करता हूं तो आई प्लान जनरली ओनली वन बैच, एटलीस्ट फॉर वन मंथ एटलीस्ट. मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा अटेंशन तुम्हारे ऊपर है, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारे ऊपर है, करेक्ट? पूरा इतना मैंने खुद का फ्री टाइम रखा हुआ है कि सिर्फ आप लोगों के ऊपर ध्यान है, कि आप लोगों के टेस्ट्स, आप लोगों के ऑडियोज, आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स, और आप लोग डेली क्या लिख रहे हो, वही हम लोग सब देखने वाले हैं, नथिंग एल्स. तो मेरी सिर्फ एक क्लास है 2.25 घंटे की आपकी, तो पूरी एनर्जी और पूरा माइंडसेट लेके बस आपके अंदर से बेस्ट निकालना है इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट. इस दौरान आई हैव सीन वेरी बिग ऑडिट्स फार्मा कंपनी में. कभी आपकी तबीयत खराब हो तो मेरे पास जरूर आइए, और मैं जो दवाई बोलू वो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है? आई हैव वर्क्ड इन निकोलस पिरामल, सैरिडॉन, स्टेपसिल्स, आपने नाम सुना होगा, तो लिस्टेड कंपनी, उनका ऑडिट किया, बड़ा मजेदार था. बेयर क्रॉप सैन सुना आपने? कभी बेगॉन सुना है? बेगॉन, अच्छा. फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा जायंट है, अक्रॉस द वर्ल्ड 100 सब्सिडरीज है, जर्मनी इनका हेडक्वार्टर्स है, तो वो लिस्टेड कंपनी, उनका ऑडिट किया. फिर अभी जो वोडाफोन है, पहले हचिसन SR था, तो वहां पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एक्सपोजर लिया है.
और बहुत बड़ा एक फ्रॉड हम लोगों ने पकड़ा था इंडियन आइडल का, करेक्ट, डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर ग्लैमर, तो बिग फोर्स में बहुत सी बार क्या होता है, ग्लैमर, बहुत सारा ग्लैमर। आई हैव डन ऑडिट ऑफ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, तो जहां पे एवरी सेकेंड सैटरडे देयर इज अ पार्टी, ऑडिटर्स को इनवाइट ही नहीं करते थे फिर भी हम चले जाते थे, बोले ये दिन भर खून चूसते रहते हैं, परेशान करते हैं और बोलते पार्टी चाहिए। देन आई हैव सीन ग्लैमर इंडस्ट्री, तो सब एक्टर एक्ट्रेस आजू बाजू घूम रहे हैं, अरे ये वो, एंड आई हैव सीन हाउ दे, बट डेफिनेटली द कंप्लीट फोकस वॉज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट्स। रेबैन, और आपको बहुत आश्चर्य होगा, रेबैन और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसको इंपोर्ट करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया में। इतना बड़ा गेम है ब्रांड्स में, बट सारे बड़े बड़े जो आई वियर्स है ये सब एक ही कंपनी के 10 ब्रांड है, और उनको पता है महंगा वाला ये खरीदेगा, सस्ता वाला ये खरीदेगा, सारे ब्रांड एक ही कंपनी के पास है, कितना बड़ा झोल है। और हम सब खरीदते हैं, अरे ये महंगा वाला अच्छी क्वालिटी का, ये छोटा वाला कम क्वालिटी का। सो वी हैव डन, एंड आई वाज सरप्राइज क्या बिजनेस मॉडल है उनका। सफिलो इंडिया, पूरा इंपोर्टर, देन केमिकल जायंट, देन आई हैव डन ऑडिट ऑफ एसआर स्टील, नाम सुना आपने, अभी आर्सेलर मित्तल हो चुका है। इन लोगों ने सिर्फ 35,000 करोड़ का लोन लिया था, और SBI और IDBI की नींद उड़ गई थी, बोले करते क्या इतने पैसे का है लोग, और पैसा चाहिए। सो वी वेर अपॉइंटेड बाय SBI एंड IDBI कि तुम जाके देखो कि ये पैसा जा कहां रहा है। ये पैसा लेते कभी SR ऑयल में डाल देते, ये पैसा लेते कभी SR के टेलीकॉम में डाल देते, पैसा लेते कभी शिपिंग में डाल देते। अबे जिसके लिए पैसा लिया वो भी काम थोड़ा कर लो। तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी थी, दैट वॉज फंटास्टिक। और फिर थोड़ा और ग्लैमर, देखो ग्लैमर से बहुत ज्यादा आकर्षित मत होना, ठीक है, पहले कुछ बनिए और फिर ग्लैमर में आगे बढ़िए, नहीं तो पहले अगर ग्लैमर आ गया तो फिर कहीं पहुंचने वाले नहीं है। वैसे बेचारे CA स्टूडेंट्स के लाइफ में ग्लैमर दूर दूर तक नहीं रहते, टाइम कहां है, जिस दिन CA आया डेबिट एवरीथिंग एल्स क्रेडिट, वो क्रेडिट बराबर, फैमिली टाइम क्रेडिट, जिम क्रेडिट, सब बाहर। एनीवेज गाइस, आई हैव वर्क विथ आईफा अवार्ड्स, अप्सरा अवार्ड्स, उनकी जो वोटिंग होती है, तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस मिले, उन्होंने बोला भी काम किया करो, तो मैं बोला तुम्हारा मार्केट कहाँ तोड़ू सर, थोड़ा लिमिट में फेंको, ऐसा जो हमको डाइजेस्ट हो। ओके गाइज, देखो पहले दिन ना आप लोगों को खोलना पड़ता है, पहले दिन थोड़े सहमे सहमे से रहते, वैसे ग्रुप टू में तो कम रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं, डरे डरे रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद बंदर बन जाते हैं, रोकना पड़ता, खींचना पड़ता, तू रुकता कि मैं तेरे को मारू अभी, ठीक है। देन आई हैव डन माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड, फंटास्टिक एक्सपीरियंस गाइस, ये सब भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो आई वॉज ब्लेस्ड, आई वॉज वर्किंग अंडर मिस्टर सुयश चौधरी, आज के डेट में बहुत बड़े फंड मैनेजर है, ही वॉज लाइक 26-27, आई वॉज 21, एकदम चिल बंदा, बोले जब काम खत्म है चले जाना, बोले चले जाना मतलब घर चले जाना, मेरे को ऐसी आदत नहीं है, PwC में मैं सबके जाने के बाद जाता था, बॉस के इंस्ट्रक्शन थे आर्टिकल आखिरी तक रुकेंगे, तू ऐसा मत कर मेरे साथ में। बट देन वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड मैं बोलूंगा अगर आपको अभी नए कोर्स में देखिए मौका मिले तो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूर ट्राई करना चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अब आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद में भी पढ़ने के लिए 6-7 महीने मिलेंगे नए कोर्स में। और CA बनने के पहले हम लोगों ने हमारे अकाउंटिंग के काम लेना शुरू कर लिए थे, रेक्टिफिकेशन के काम लेना शुरू कर लिए थे, और CA बनने के पहले आई स्टार्टेड टीचिंग। गाइज थेरी सब्जेक्ट को अगर आपको शानदार करना है तो एक ही रास्ता है, राइट, लिखो लिखो लिखो, लिखते जाओ, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आप स्मूथ, उतने ज्यादा कंफर्टेबल, उतने ज्यादा चौके चक्के मारेंगे। आपको रोज होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा डेली,
डेली होमवर्क क्वेश्चन विल बी गिवन, उसको लिखिए, मुझसे चेक करवाइए कि आप कैसा लिख रहे हैं. एंड एवरी फ्राइडे देयर विल बी अ टेस्ट. पोर्शन पूछने का नहीं, ठीक है? पिछले टेस्ट में जो हुआ उसके बाद का जो भी था एक हफ्ते का, वो आपका क्या रहेगा? पोर्शन. एवरी फ्राइडे देयर विल बी अ टेस्ट और पेपर दो तीन दिन में आपको चेक करके मिलेंगे. और जो अच्छा स्कोर करेगा, मेरे तरफ से कोई प्यारा सा गिफ्ट भी रहेगा. आप अच्छा परफॉर्म मिलेगा ना बेटा, मिलेगा मिलेगा, वो भी मिलेगा, आईफोन मिलेगा तेरे को, बराबर. इतना प्यारा, बहुत प्यारा आईफोन मिल, तो चिंता क्यों करते हैं? ओके. हाँ, अब वो आईफोन कैसा मिलेगा वो नहीं पूछना. आईफोन कई प्रकार के मॉडल भी है. हाँ, समझ गया मैं. तो राइटिंग प्रैक्टिस हम काफी करेंगे गाइज. हमारी जो फाड़ू चार्ट बुक है, मैं आपको बताऊं, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स. दिस चार्ट बुक फाइनल लेवल पे भी आती है और इंटर लेवल पे भी आती है. इन 80 पेजेस कंप्लीट ऑडिट इज कवर्ड. ऐसी, अच्छा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं मारा, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इसमें हमने कवर नहीं किया होगा. आई प्राउडली से दैट ऐसी कोई बुक मार्केट में है ही नहीं. Around 80 pages, it covers every damn thing. Again, because I and my team are fully focused on audit, so around 20,000 students, inter and final level, they have used it. और एक खास बात, marathons होते हैं, सब कुछ होते हैं, 12 घंटे में पूरी book, पूरा audit 12 hours में, ऐसा कोई marathon भी नहीं. Marathon मैं भी लेता हूँ, लेकिन हमने जो video create किया, each and every concept, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है. ऐसा मैराथन भी नहीं मिला कि 12 घंटे के अंदर आप हर कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हो. जनरली मैराथन्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो फटाफट निपटाते और आगे बढ़ते हैं. लेकिन जो हमने रिकॉर्ड किया इसमें सब कुछ कवर्ड है. जो लोग मुझसे काउंसलिंग करने आए थे, मैंने उनको बताया भी था, मैं यहां पर आपको बताता हूं. सो इफ यू गो, ओके, ये एक प्लेलिस्ट है. सो दिस इज अ कंप्लीट प्लेलिस्ट. आप राइट साइड में देखोगे चैप्टर 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अगर मैं चैप्टर 1 में जाऊं, ठीक है, चैप्टर 1 में जाऊं और एड स्किप कर रहा हूं, यहां पे आप राइट साइड में देखोगे, इफ यू कैन सी राइट साइड में कॉन्सेप्ट नंबर्स है गाइस. पूरा जो ऑडिट सब्जेक्ट है, अगेन दिस फिनोमिनल, पूरा ऑडिट सब्जेक्ट हम लोगों ने बांटा है 450 कॉन्सेप्ट में. पूरा सब्जेक्ट 450 कॉन्सेप्ट में बांटा है. खास बात क्या है, 450 कॉन्सेप्ट के 450 चार्ट्स और मेमोरी टेक्निक्स है. आई बेट ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी, 450 चार्ट्स किसी के किताब में, भाई एक 3-4 चार्ट ही बड़ी मुश्किल से मिल जाते. 450 चार्ट्स है, उसके बाद में थ्योरी है इंस्टीट्यूट की, और थ्योरी में सारे कीवर्ड्स हाइलाइटेड है जो हम क्लास में पढ़ेंगे. नाउ खास बात क्या है, ये कॉन्सेप्ट नंबर आपकी रेगुलर बुक में भी है और आपके चार्ट बुक में भी है. कंसिस्टेंसी है. और उसमें भी खास बात क्या है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नंबर राइट साइड में अगर देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट नंबर है, आपको पूरे ऑडिट में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको रिवाइज करना है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे को ऐसे 210.110 करना है रिवाइज, सीधा उस पर क्लिक करूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा. मुझे एक कोई बता देना कि जहां पे 450 कॉन्सेप्ट में बांटा है, पूरा टाइम को टैगिंग किए, समझ रहे आप इस बात को? कोई भी कॉन्सेप्ट आप उठा लीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आप उठा लीजिए, सबकी टैगिंग करके मिलेगी. पूरे चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट है, बस क्लिक किया और रिविजन. अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली करें तो आप ऑडिट कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करके जा सकते विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियोस. 4 से 5 बार, करेक्ट? सो अगेन दीज थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग. फिर ये मैंने आपको बता चुका हूं. ओके, आई हैव क्लियर 2 लेवल्स ऑफ सीएफए यूएसए ऑल्सो, वो भी 2007 में. सीएफए नाम सुना है क्या? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. सीएफए इंडिया का भी रहता है और यूएस का भी है. तो यूएस के आई क्लियर 2 लेवल्स. जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तब जुनून था यार, फंड मैनेजमेंट में जाएंगे अपन, ठीक है?
फिर यहां पे कैसा है वो आगे कभी बताऊंगा। तो तब सीएफए के दो लेवल आर्टिकलशिप के साथ में अपन ने क्लियर कर लिए थे, फिर टीचिंग में उतर गए, फिर थर्ड लेवल कभी दिया ही नहीं। अब मैंने सोचा है कभी रिटायरमेंट में देंगे, कभी जरूरत पड़ी तो देंगे, क्योंकि उसका और टीचिंग का कोई बहुत कनेक्शन नहीं है। स्टार्टेड टीचिंग इन 2007 एंड नॉट जस्ट गाइज, मैं पुणे शिफ्ट हुआ एक महीने पहले, बट देन अक्रॉस इंडिया, पुणे भी मैं रिविजन सेशन अक्रॉस इंडिया एंड नॉट जस्ट इंडिया, दुबई ऑल्सो, सीए इंस्टीट्यूट का जो दुबई ऑफिस है, दुबई ऑफिस है, वहां जाकर भी अपन ने क्लास ली है, वहां पर भी बच्चे होते हैं जो फाइनल के एग्जाम देते हैं। अक्रॉस इंडिया जितने भी मेट्रोज है सब जगह पे रिविजन सेशंस, कहीं पे शॉर्ट बैचेस, तो मुझे मैंने देखा है हर तरह के बच्चे देखे, ओवर सिंसियर बच्चे जो कभी कभी आपको साउथ में मिलते हैं, 8 बजे की क्लास 7:30 से आ गए, कौन हो तुम, कौन हो तुम, करेक्ट। फिर मैं थोड़ा दिल्ली साइड जाऊं तो 8 बजे क्लास है तो मेरे को पता है 8:10 को शुरू होंगे, करेक्ट। फिर जो बीच में का इंडिया है वो नॉर्मल है, वो 8 बजे तक आ जाता है, 8:05 तक आ जाता है घूमते फिरते। सो आई हैव सीन स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। मेथोलॉजी सिंपल है जैसे हमेशा होती है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और मेमोरी टेक्निक गाइस, 10 से ज्यादा मेमोरी टेक्निक्स। मैंने मेमोरी टेक्निक का सेशन भी लिया था विशाल सभी क्लास में, कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, विल बी यूजिंग ऑल ऑफ देम। ऐसा एक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जहां पे मैं आपको ही नहीं बताऊंगा कि कैसे याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर याद रखना आ गया तो इट बिकम्स वेरी सिंपल, बहुत आसान हो जाता है। और हर लेक्चर का ऑडियो रिविजन आपको मिलेगा डेली, हर लेक्चर का ऑडियो रिविजन आपको मिलने वाला है। कहां मिलने वाला है, फटाफट फोन पे आइए सब लोग, टेलीग्राम पे जाइए, और ये ग्रुप है ठीक है, सीए इंटर ऑडिट लाइव क्लास डिस्कशन, यहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपके ऑडियो रिवीजन रोज यहीं पे आएंगे, लेक्चर के नोट्स यहीं पे डाले जाएंगे, टेस्ट का पेपर यहीं पे आएगा, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहीं पे मिलेंगे। अगर किसी को स्कैन करना है, इफ समवन वांट्स टू स्कैन, अगर किसी को नहीं मिला तो हाँ ले लो भाई, ले लो, हाँ आजकल आदत हो गई, लेट हो रहा है सर मैं फोटो लेता हूँ, घर जाके लिखूंगा, लिखते कितने हो पता नहीं, फोटो सब ले लेते हैं। ज्वाइन हुए नहीं हुए, ओके इसके बाद ये आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये भी कर लीजिएगा। ऑडिट गुरु हमारा मेन चैनल है, अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स वहां पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल है, यहां पे फाइनल इंटर दोनों की चीजें आती रहती है, अपने क्लास के लिए अलग से सेपरेट ग्रुप है और बाकी इन जनरल ग्रुप अलग है। ओके चलिए मैं इसकी भी लिंक बाद में शेयर कर दूंगा अपने, अगर आपने दोनों में से एक भी ज्वाइन किया है दैट इज सफिशिएंट, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द अदर थिंग। बुक्स की अगर मैं बात करूं फाइनली क्विकली, बुक्स देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि बुक्स कैसे स्पेशल है। अगर आप देखेंगे यहां पे एवरी कॉन्सेप्ट हैज अ यूनिक नंबर, और खास बात क्या है, ये एडिशन टू एडिशन ये बदलता नहीं है, इट डजंट चेंज, कांस्टेंट नंबर है। कोई नया कॉन्सेप्ट आया तो बराबर इतना इंटेलिजेंटली हमने प्लानिंग की, बीच में आ जाता है, बीच में आ जाता है तो एक कॉन्सेप्ट नंबर। आप कभी भी मुझसे डाउट पूछ रहे सर ये कॉन्सेप्ट नंबर में डाउट है, और इस कॉन्सेप्ट नंबर को आप कभी भी यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में दिया हुआ है। तो सर फिर क्लास करनी है कि नहीं करनी है, शॉर्ट और बहुत फास्ट एक्सप्लेनेशन वहां पे है क्योंकि 12 घंटे में कवर करना था। देन हर कॉन्सेप्ट के बाजू में
गाइज अगेन दैट्स व्हाई इट्स द बेस्ट बुक्स इन द इंडस्ट्री. हर कॉन्सेप्ट के बाजू में क्वेश्चन नंबर है और एमसीक्यू नंबर है. पूरा चैप्टर खत्म होने का वेट, अरे पूरा चैप्टर खत्म होने का वेट नहीं करना है. क्यों पूरा चैप्टर खत्म करेंगे? आज चार कॉन्सेप्ट हुए, उसके जितने क्वेश्चन है और उसके जितने एमसीक्यूज है आज ही निपटा देते. आज के आज पढ़ते तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और भी ज्यादा रहती है. नहीं तो मैं देखता हूं पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, कभी कभी तो बोलते पूरा कोर्स खत्म करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, गई भैंस पानी में. और मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहने वाली है दैट इज क्वेश्चन आंसर्स. अरे एग्जाम में लिखना क्या है? क्वेश्चन आंसर्स सबसे इंपॉर्टेंट वो है. अगर उसके ऊपर तुम्हारा कमांड नहीं है तो कैसा चलेगा भाई? तो पूरा का पूरा लिंक्ड है आपकी रेगुलर बुक और आपकी परम क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुक. गाइज हर कॉन्सेप्ट का आपको चार्ट मिलेगा, बहुत लॉजिकली ड्राफ्टेड है. इसमें मेमोरी टेक्निक्स भी रहेगी, एक एक करके बता जाऊंगा. और उसके बाद में इंस्टीट्यूट की थ्योरी और सारे जो वर्ड्स है टेक्निकल वो हाईलाइटेड है. और मैं आपको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको पूरा लेक्चर के साथ साथ में आपका कलेक्शन रहेगा टेक्निकल वर्ड्स का. वो टेक्निकल वर्ड्स जिसके आंसर लिखिए आपको 100% पूरे मार्क्स मिलने ऑडिट के अंदर, कोई आपको रोक नहीं सकता. Now, ये अपनी भास्कर रेगुलर बुक है, अपनी परम क्वेश्चन बैंक है विच इज वेरी वेरी स्मार्ट. इसके बाद जो भी पढ़ेंगे स्मार्टली पढ़ेंगे. लिसन गाइस, ये देखिए आपके हर क्वेश्चन का, ओके एवरी क्वेश्चन अगेन हैज अ यूनिक क्वेश्चन नंबर. हर कॉन्सेप्ट का क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर. हर क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन नंबर. ये भी एडिशन टू एडिशन चेंज नहीं होता है. मतलब आपको हर एडिशन में वो क्वेश्चन नंबर कैसा मिलेगा? सेम. यहां पे रिवर्स लिंकिंग भी की है. रिवर्स लिंकिंग की कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है आपको एग्जैक्टली पता होता है, कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया गया है. एंड लुक एट दिस, एक बुक बता देना भाई, कभी कभी तो रेफरेंस भी नहीं होता. आई वॉज सरप्राइज, इतनी पतली पतली क्वेश्चन बैंक, मैं बोला कैसे होगा. थोड़ी सी मोटी दिखेगी, डोंट वरी, इसमें 450 क्वेश्चन है. कितने क्वेश्चन है? 450. देखो अगर देखो जम गया पूरा कर लिया बहुत बढ़िया, साथ साथ में कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं 250 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लिस्ट देता हूं. इस बार 77 मार्क्स का डायरेक्टली, 77 मार्क का सीधा क्वेश्चन बैंक से था. 70 मार्क का ही लिखना होता है. अरे एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर कितने मार्क करे था बताओ तो? 120 मार्क का होता है 30 मार्क के एमसीक्यू. बाकी 90 मार्क में से आप कितना सवाल है? 70. 90 में से 77 मार्क्स. अच्छा मैं जब बात भी करता हूं, मैं बहुत ही एकदम ऑडिटर आदमी हूं, हर चीज का इतना भयंकर अपने पास में प्रूफ रहता है. ठीक है लिसन, ये इस बार का पेपर है. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन सब क्वेश्चन कौन सा, कितने मार्क्स, कौन से चैप्टर, कौन से पार्ट, कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर, हमारे बुक में कौन से पेज पे है, इंपॉर्टेंट लिस्ट में था कि नहीं था, पूरा डिटेल है. पागल है हम कंटेंट के पीछे, हमारी टीम भी पागल है. पूरा क्वेश्चन पेपर का कुंडली है. एक एक क्वेश्चन दो दो चार चार तीन तीन मार्क का था. एग्जैक्टली कौन से पेज पे था वो दिया हुआ है. गाइज मेरे लिए बहुत जरूरी है ये, मेरे लिए क्वालिटी चेक होता है. अगर मुझे आपको क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी पढ़ाना है, मुझको चेक करना है कि मेरी बनाई हुई चीजें इफेक्टिव है कि नहीं है. 77 मार्क्स का था. और जो आईएमपी लिस्ट दी थी ऐसे मजाक में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो थोड़ी करते. पाइवट टेबल पता है आपको एक्सेल में? नहीं पता. बाकायदा पाइवट टेबल निकलता है, 5000 क्वेश्चन का डेटाबेस है. कौन सा क्वेश्चन रिपीटेशन ज्यादा है, पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी में कौन से कॉन्सेप्ट टारगेट हुए, पिछले 2 अटेम्प्ट में जो कॉन्सेप्ट टारगेट किए उसको माइनस करते. 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, उसको 16 घंटे में रिवाइज किया था क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा था, जिसको स्पीड बढ़ाकर आप 12 घंटे में कर सकते हो. 53% अगर कोई सिर्फ 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर ले तो 53% वो सॉल्व कर सकता था. कुछ लोग यहां पे बैठे बैठे मैं तो यही करेगा, 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं घोट डालेगा. देखो कभी टाइम नहीं होता, कुछ है
सिर्फ उस पर भरोसा करना, दैट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट. बट देन आई एम सेइंग कि जो भी कंटेंट है, मैं आपको बता दूं पूरे इंडिया में इतना डिटेल पेज वाइज एनालिसिस कहीं पर भी नहीं है. देन ये मैंने बुक्स की बात, अच्छा एमसीक्यू बुक, भाई इसमें भी हम बहुत दीवाने हैं. हमारी जो कंटेंट बनाने की दीवानगी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. मतलब एमसीक्यू में भी हम लोग देते कब का है. अच्छा परम क्वेश्चन बैंक में रह गया, वो बात भावुक हो गया मैं. सुनो, ओल्ड कोर्स में प्रैक्टिस मैनुअल 16 में था, मे 20 आरटीपी, पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, मंथ, मे या नवंबर. आखिरी वर्ड क्या होता है, आरटीपी, एमटीपी, एग्जाम. मे 21 मॉक, स्टडी मटेरियल 20, स्टडी मटेरियल 21, मे 20 आरटीपी. तड़प रहा है क्वेश्चन आने के लिए, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है. अच्छा एक नहीं लिखा है, उसकी पूरी कुंडली लिखी हुई है कि ये क्वेश्चन की जर्नी कैसी है. और मैं आपको बताऊंगा, इतनी बार देखने को मिलता है मे 22 आरटीपी एमटीपी में आया या नवंबर 22 एमटीपी आरटीपी में आया और बराबर मे 23 में उतरा. मतलब इंटर का पेपर तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेडिक्ट करना इतना आसान है, इतना आसान है. ऑडिट में तो मैं आपको भाई 250 क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूँ, उसमें से 53% आ रहा है. मैं आपको गारंटी से बताऊँ, हर 5 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट के मैं पूरा पेपर में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. 4, एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट का दिमाग घूमता है, आथामाझी सटकली. और जब उनका दिमाग सटकता है उस दिन आप जिसने रेगुलर बुक पढ़ी है ठीक है वो संभाल लेता है. लेकिन मेरा ये भी एक्सपीरियंस है, 40 मार्क का मौका इंस्टीट्यूट हमेशा रखेगा, कितना भी पेपर डिफिकल्ट हो. ठीक है, नाउ गाइज दैट वॉज अबाउट द बुक्स. आपको कितनी किताबें मिलने वाली है कुछ देख के, 5 किताबें आपको मिलने वाली है, भास्कर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसी, फिर परम क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू बुक और आपकी फाड़ू चार्ट बुक. आपको चिंता नहीं करना है, आपको आखिरी इसमें या तो भास्कर के चार्ट्स प्लस क्वेश्चन बैंक, या तो फाड़ू के चार्ट्स प्लस क्वेश्चन बैंक, या तो क्लास में जो लिखेंगे वो प्लस क्वेश्चन बैंक, उसी पे आपको फोकस करना है अल्टीमेटली आखिरी इसमें. ओके गाइस, सो दैट वाज इट. नाउ चलिए, ये मैंने थोड़ी सी मेरी बात की, हम कैसे डिलीवर करने वाले हैं उसकी बात की. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आप लोगों को 2 बुक्स बनानी है 100-100 पेज की, ठीक है, 2 बुक्स आप लोगों को बनानी है 100-100 पेज की, क्योंकि हम लोग एक बहुत जबरदस्त चीज करने वाले हैं. आप लोगों ने सुना होगा ऑडिट थोड़ा सा बोरिंग हुआ था, यस नो, यस नो, एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज करने वाले हैं जो विशाल सर से प्रेरित, वी आर गोइंग टू स्प्लिट अवर लेक्चर्स इनटू 2 पार्ट्स. एक चलने वाला है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर और एक चलने वाला है अदर चैप्टर्स के ऊपर. दोनों को हम इक्वली लेकर चलेंगे और दोनों का वेटेज 50% है. मार्क्स वाइज ऐसे का भी वेटेज कितना है, 50%, और बाकी चैप्टर्स का भी कितना है, 50%. करेक्ट, आज आपने अगर बुक लाई है तो ठीक है, नहीं तो जहां पर भी आपके पास जगह है वहां पे आप लिखते जाइए. सब्जेक्ट का अगर मैं इंट्रोडक्शन बात करूं, शॉर्ट में फटाफट चीजें देखते आएंगे. और मैंने बोला जो भी पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे, स्मार्टली पढ़ेंगे. थोड़ा कितनी शुरू के लिए सी तू, हाँ इथे बगतो है, मैं इथे कुड़कुड़ करते है पूरा. एक सुरू है, 2 युनिट सुरू के लिए, एक बंद करून दे कुठला तरी तिकडला आणि वाढून घे. राहुल सर बोल रहे हैं कि राहुल थकवानी सर, बेयर कंट्रोल 75% ऑफ फर्टिलाइजर मार्केट. यस,
ओके गाइस, अगर सब्जेक्ट की बात करें, अब फाइनली बहुत सारे इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं। आपके सब्जेक्ट में ऑडिट में दो तरह के चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे अकाउंटिंग में कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? आई एम सो हैप्पी यू नो दिस। वैसे ही ऑडिट में क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। थोड़ा सा नाम अलग रखा है, ठीक है। यहां पर भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते, और ऑडिटिंग कैसे करनी चाहिए आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाते। अब अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बेस्ड चैप्टर्स है आपके और अदर चैप्टर्स है। देखो मैंने बोला जो भी पढ़ेंगे, मैं ऐसे कैसे, इसने कुछ लिखा नहीं, मतलब जो भी पढ़ेंगे स्मार्टली पढ़ेंगे। देखो मेरे को टाइम सेव करने का है, मैं पहले बहुत प्यार मोहब्बत से लिखूंगा, फिर तुम प्यार मोहब्बत से लिखोगे, उसमें टाइम बढ़ जाता है। अगर मैं ऑलरेडी, मुझे पता है मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, अगर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर, कम से कम 20-30% टाइम हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बेस्ड आपके चैप्टर्स है, ऐसे बेस्ड चैप्टर्स है और अदर चैप्टर्स है आपके। 8 चैप्टर्स आउट ऑफ 13, 8 चैप्टर्स आपके ऐसे बेस्ड है, पूरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके अंदर। और 5 चैप्टर्स ऐसे है जहां पे एग्जांपल के तौर पे कंपनी ऑडिट, बड़ा प्यारा, पता है कंपनी ऑडिट कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क का, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स कंपनी हाथ के मार्क्स है। जिसने कंपनी ऑडिट चैंपियन कर लिया उसके एग्जेम्पशन लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और हाथ के मार्क्स से पूरे मार्क्स मिलते हैं। कंपनी ऑडिट आएगा उसमें, बैंक ऑडिट आएगा। किसी ने पैसों की बात की थी ना, कोई भी बैंक जाइए, महाराष्ट्र को आप, ठीक है, जो मीडियम साइज की बैंक है 2-2 करोड़ की फीस है, 2-3 करोड़ की फीस है। हाँ 2-3 ऑडिटर होते, फिर भी 1 करोड़ तो मिल ही जाता है एक ऑडिट से। एक साइन 2 करोड़ की मैं करूंगा। सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी मेहनत, थोड़ा दिमाग, स्मार्टनेस सब करना पड़ेगा, बट देन यू कैन लॉट ऑफ मनी। तो बैंक ऑडिट पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑडिट करेंगे। गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है? C&AG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। होटल का ऑडिट, हॉस्पिटल का ऑडिट, ये सब अदर चैप्टर्स में आएगा आपके, ठीक है। मार्क्स वेटेज की अगर बात करूं, इंस्टीट्यूट ने बहुत इंटेलिजेंटली 50% पूरा हमने एनालिसिस, 70 जो 90 मार्क पेपर, कितने मार्क्स का? 120, 90 मार्क जो इंस्टीट्यूट बाहर, उसका तो हम चीर फाड़ कर देते पूरा, उसका इनडेप्थ एनालिसिस, पिछले 7-8 अटेम्प्ट का एनालिसिस है। बराबर 50% मार्क्स आएंगे आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से और 50% अदर चैप्टर। इसलिए माइंड ब्लोइंग है, हम लोग इक्वल टाइम दे रहे हैं हमारे लेक्चर्स में भी, ताकि कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज ना हो। नहीं तो कभी कभी बहुत बड़े चैप्टर होते हैं आखिरी में रहते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। 50% आपके चैप्टर नंबर भी दिए, लिखना चाहे लिख सकते हो अभी, या फिर नहीं लिखना चाहो तो सर आगे तो समझ में आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऑडिट जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस मैं जो बता रहा हूं वो आप करते जाइए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों में एक ही फर्क है, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग टेक्निकल है थोड़े नेचर के। कैसे है? टेक्निकल, पता है क्यों? क्यों? 99.99% इट इज अ कॉपी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग। इट्स अ कॉपी सर। ओ भाई इंडियन से हम लोग क्रिएटिविटी में माहिर है, चाहते तो खुद के बना लेते, और ऐसे बनाते जिसके किसी को नहीं समझते, किसी के डैश डैश बाप को नहीं समझ में आता। लेकिन वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ हार्मोनाइजेशन,
इन द वर्ल्ड ऑफ हार्मोनाइजेशन. पूरे दुनिया की अकाउंटिंग एक लेवल पे आ रही है, वैसे तो पूरे दुनिया की ऑडिटिंग एक लेवल पे आ रही है, इसलिए पूरी दुनिया एक जैसे स्टैंडर्ड्स और एक जैसे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है. इससे थोड़ी लैंग्वेज टेक्निकल लगती है, बट देन यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी. आज जो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग हम पढ़ रहे हैं, आप सिंगापुर जाके ऑडिट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जाके ऑडिट कर सकते हो, यूएस जाके ऑडिट कर सकते हो, जापान जाके ऑडिट कर सकते हो, यूके जाके कर सकते हो, हर जगह पे आपको सभी स्टैंडर्ड्स कैसे मिलेंगे, सेम. गाइस यू शुड बी एक्साइटेड. आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल बी वेलकम्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज बिकॉज दे ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग्स. और आप किसी का भी काम समझ सकते हो, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस है अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे ऑडिट डिस्कस होता है, यही सारी बातें डिस्कस हो रही है. वी आर एट पार विद देम. इससे लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन संभाल लेंगे. और मैं आपको बता रहा हूं, जितना अंदर घुस घुस के हम पढ़ रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया भी नहीं पढ़ रही. क्रिकेट बनाया इंग्लैंड ने, लेकिन उसको टॉप पे पहुंचाया इंडिया ने. स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बनाए उन्होंने होंगे, लेकिन जितना अंदर घुस के हम पढ़ रहे हैं ना, उतना वो पढ़ते नहीं है. मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे, ACCA, CPI, ये वो. जितना अंदर हम घुसे वो इतना अंदर वो भी घुसे नहीं है. पेपर पैटर्न यहां बहुत मजा आने वाला है. यहां पे आपको मिलने वाला है सीक्रेट टू 60 मार्क्स. सीक्रेट टू 60 मार्क्स नहीं अगर आए तो मजा नहीं है, क्योंकि आने ही चाहिए. बताओ MCQ कितने मार्क्स के? पहले तो आपका 120 मार्क का पेपर है, उसमें से आपके MCQ 30 मार्क के. आपके MCQ 30 मार्क के आएंगे. अरे करेक्ट इनकरेक्ट, बचपन की यादें सर, मैच द फॉलोइंग भी दे रहे थे, कितना मजा आता. फिल इन द ब्लैंक भी आ जाता तो कितना मजा आ जाता. बस एक्सपेक्टेशन थोड़ी लिमिट में रखो. 14 मार्क के करेक्ट इनकरेक्ट है, और आपको सिर्फ मात्र 56 मार्क की थ्योरी लिखनी है. मात्र 56 मार्क, और क्या चाहिए जीवन में? 30 मार्क्स MCQ, 14 मार्क करेक्ट इनकरेक्ट, 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. अब इंस्टीट्यूट क्या कलेजा काट के रखेंगे तुम्हारे सामने? सर अब सुनो, इसमें भी दिल देव कितना बड़ा है उनका. करेक्ट इनकरेक्ट में 8 रहते हैं, उसमें सिर्फ 7 सॉल्व करने पड़ते हैं. ऑप्शन दिया उन्होंने करेक्ट इनकरेक्ट में तुमको. लुक एट देयर हार्ट, हाउ बिग इट इज. फिर मार्क्स में जो कसते बोले, 56 मार्क के डिस्क्रिप्टिव आपके, उसमें एक पूरा 14 मार्क का क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता. देखो 4433 लिखे, हाँ यहां थोड़े से कमी नहीं है वो. पहले ओल्ड कोर्स में 5-5 मार्क के क्वेश्चन होते थे, अब कोई 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता. 4 मतलब वही क्वेश्चन पहले कितने मार्क का था? 5. वही कितने मार्क का है? 4. पहले 5-5, मैं आपको 14 मार्क का क्वेश्चन पहले भी था, पहले कैसे ड्राफ्टिंग होती, 5-5-4, मतलब कितने 14 मार्क के लिए कितने क्वेश्चन थे? 3. अभी उन्होंने होशियार, अति होशियार है, सीए बैठे हैं ना वहां पर भी, अभी उसके लिए ही मेहनत ज्यादा हो गई. MCQ खुश हो रहे तुम, हो जाओ खुश, यहां पे गेम बजाएंगे. तो आपको लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 4-4-3-3, और दिल देखो और कितना बड़ा है. आखिरी क्वेश्चन में ही और देते कि ये एक 4 मार्क का या फिर इसका और एक 4 मार्क का. तो ऐसा करके एक्स्ट्रा रहते हैं आपके. अब सुनो सीक्रेट क्या है, बोलो 30 मार्क में से कितने लाओगे MCQ में? एकदम ऑनेस्टली बोलो कितने लाओगे? 25-20. चलो मैंने कॉन्जर्वेटिव चल रहा हूं, अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना अपन, बचपन से क्या कॉन्जर्वेटिव. कितने बोला मैंने? 20. देखो मेरे को बताया सबके मन में, सर 25 कहीं नहीं गए, क्या बात कर रहे हो, ठीक है. बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस चाहिए आखिरी क्लास तक. पहले दिन सभी सब्जेक्ट, इसको निपटा दूंगा, उसको भी निपटा दूंगा, फिर अपन निपटने लग जाते. बोले ना ये फेल रहा, ना वो फेल रहा, कोई तो बचा लो. बोले तो 20 मार्क
अगर मैं मान लूं, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट में कितने हैं अभी? 10, 14 में से 10, ठीक है, 4 मार्क दिए उधर भी। डिस्क्रिप्टिव कैसा? अच्छा सुनो, 20 बस 30 तो हो गए, 10 देखो मार्क्स ऐसे लेने, ऐसे नहीं ऐसे, तू ऐसे ऐसे चिल्लर मांगेगा तो ले 10 दे दे बेटा। ओके ओके, नाउ लिसन, यहां पे स्ट्रेटजीज, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन बैंक पे कमांड है, सारे क्वेश्चन आपको आए जरूरी नहीं है। लिसन, 30 मार्क, 56 में से 30 मार्क के क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आते, बोले इसको तो फोड़ ही दूंगा मैं, तो उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। थेरी है भाऊ, सबसे प्रैक्टिकल लाइफ में करना ऑडिट है, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा क्या है? थेरी। थेरी मतलब मैं बोलूंगा न्यूमरिकल नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन 24 मार्क्स आप ला सकते हो, इट्स पॉसिबल। और फिर 26 मार्क जय माता दी, जो आता है लिख, जितने स्पीड से लिख सकता है उतना लिख, जितना भर भर के लिख सकता है वो लिख, उसमें सिर्फ, हाँ यहां पे अपन ऐसा कर रहे हैं यहां अगर, लेकिन क्यों पूरा पेपर सॉल्व करना जरूरी है? अगर आपने 26 मार्क का लिख लिया ना, मेरा देखना है दया भावनाओं में एक एक मार्क मिल जाता है, वो एक मार्क एक नहीं है, 25% है, 4 में से एक मार्क कितना परसेंट है? 25%, और 3 में से एक मार्क कितना है? 33%। इंटेलिजेंस इज तू पूरा लिख, जो आता है वो लिख, जैसा आता है वैसा लिख, 6.5 वहां से निकल जाएंगे तेरे, 30 मार्क लगभग यहां से निकल गए, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 60.5 होते, मैंने आधा मार्क छोड़ दिया। अब आप बताओ एग्जेम्पशन पॉसिबल है कि नहीं? कुछ लोग मनी मन इधर लाऊंगा मैं एग्जेम्पशन, ठीक है, कुछ मनी मन कुछ भी कुछ भी, इतना आसान बोले एग्जेम्पशन लाना होता तो मेरे सीनियर इतना नहीं रोते बोले। बट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यू शुड हैव फेथ। अगर आपको फेथ है, विश्वास है, अनबिलीवेबल थिंग्स कैन हैपन। मैं आपको ऐसी अनबिलीवेबल थिंग्स, 10 बजे की ट्रेन है, 10 बजे स्टेशन के मेन गेट पे कोई पहुंचता है, जो बोलता है ट्रेन मिल सकती है, उसने जिंदगी में इतनी हेवी बैग्स उठा के नहीं भागाऊंगा, वो भागता है, वो भागता है अपनी कैपेसिटी से 200% ज्यादा मेहनत करता है वो, बिकॉज ही वॉज हैविंग फेथ, ही वॉज एबल टू यूज हिज कैपेसिटी, एंड मोर ऑफन देन नॉट उसको ट्रेन मिल जाती है। जो विश्वास करता है इट इज पॉसिबल। एंड गाइज मैं आपको बता रहा हूं, दिस फेथ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपकी कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज को 200% 300% बढ़ा सकता है। डोंट लिसन टू निगेटिव थिंग्स, सब पॉसिबल है लाइफ में, बस ये सोच के चलो, सब फोड़ देंगे बस ये सोच के चलो। और मैं बता रहा हूं आज मैं एग्जेम्पशन लिख रहा हूं, ये पॉसिबल है ये मान के चलो कि यस इट इज इजी टू गेट एग्जेम्पशन। और दूसरा बंदा जो ज्यादा होशियार है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो मेन गेट पे पहुंच के बोलता है कुछ भी, जैसे भी मैंने बोला था, वो बोलता है टैक्सी वाले को चल घर, उसने जिया ही नहीं, उसको पता ही नहीं वो क्या कर सकता था, उसने बोला बस पॉसिबल नहीं। इट्स अप टू यू गाइज, शो फेथ, थिंक दैट थिंग्स आर पॉसिबल, और मैं बात को बता रहा हूं कि आप फोड़ देंगे। नाउ रीसेंट एग्जाम्स 77 मार्क्स आउट ऑफ 90, 77। मैं आपको बता दूं, जो आपको परम क्वेश्चन बैंक है आपको अलग से पीडीएफ मिलेगी, 5 पेज की प्रिंट मिल जाए, यहां पे जो है प्रिंट मिल जाएगा, रीसेंट एग्जाम के भी जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड करने के लिए।
एकदम कट्टूकर अपना हिसाब है, इस क्वेश्चन बैंक में सब कुछ मिलेगा। और लिखा होता है आपके प्रीफेस में, आपके प्रीफेस में लिखा होता है कौन से एग्जाम से कौन से एग्जाम तक चीजें कवर्ड है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अभी जो परम है उसमें 10 एग्जाम के एमटीपी आरटीपी है और 9 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स है, एवरीथिंग इज कवर्ड। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, सारे जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे उनको अपन ने क्लब कर दिया, क्लबिंग हैज बीन डन, तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट बोल रहा ऐसा नहीं है। 77 मार्क्स अगर कोई बच्चा परम क्वेश्चन बैंक और भास्कर करे 87, 3 मार्क छोड़ दिए मैंने, वो भी कॉमन सेंस वाले थे, लेकिन बोला ठीक है कॉमन सेंस था। इंक्वायरी किससे करेंगे, फ्रॉड की, कंपनी के अंदर कौन से लोग होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, एम्प्लॉय, वो छोड़ दिया मैंने, छोड़ो। इंपॉर्टेंट लिस्ट से 53%, गाइज दिस बुक जितना मैं दे रहा हूं ना उतना कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक चीज भूल जाता हूं मैं, आप अगर आपके क्वेश्चन बैक आपके बुक के पीछे अगर जाते हो, शायद पीडीएफ कॉपी में मेरे इसमें ना हो, नहीं है यहां पे, आपको एक मैपिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, मैपिंग। सर क्या है ये, आपके पूरे मॉड्यूल के हेडिंग्स है और अपने बुक में कौन से कॉन्सेप्ट में वो कवर्ड है वो दिया है। सब बोलते ना मेरे बुक में पूरा स्टडी मटेरियल कवर्ड है, मैं भी बोलता हूं लेकिन प्रूफ के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट कहां पे कवर्ड है वो दिया हुआ है। मतलब कभी आपका मन किया, और मैं बोलता हूं कुछ गलत नहीं है, मैं गारंटी से जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने ऑडिट के देखे कुछ भी स्टडी मटेरियल के बाहर का नहीं रहता, कुछ भी स्टडी मटेरियल एमटीपी आरटीपी और एग्जाम पेपर्स इसके बाहर का कुछ भी नहीं रहता। बच्चा जब कोई आके बोलता ना मेरे को ऐसा कोई पेपर से बाहर निकला और किसने बोला सर जनरल पेपर था, मैं मनी मन तू जा अभी एग्जाम के बाद अगर बोल दो एकदम फोड़ दूंगा तेरे को, तेरे को पता नहीं था एग्जाम के क्वेश्चन, मतलब तेरे को नॉलेज नहीं था कि इंस्टीट्यूट कितने क्वेश्चंस पूछ चुका है, कुछ जनरल नहीं रहता। या फिर कभी कभी बोलते सर पेपर बहुत प्रैक्टिकल था, इंटर लेवल पे कोई बच्चा बोले ना ऐसा, भाई साहब इतना भयंकर रिपीटेशन है और पूरा मॉड्यूल, और अपना कभी भी आपका मन करे मॉड्यूल पढ़ने का, मॉड्यूल उठाने का, अपने बुक में कहां पे कवर्ड है वो देखने का, करेक्ट। अगेन सच काइंड ऑफ प्लानर इज अवेलेबल ओनली विद अस। नाउ गाइस, तो 53%, नाउ वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। आ जाइए, पहले मैंने मेरे बारे में बताया, अपने पढ़ाने के तरीके बारे में बताया, फिर हमने धीरे धीरे महसूस किया सब्जेक्ट को लेकर, जो हमने ब्रॉडली देखा दो इसमें बटा हुआ है, कौन से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अदर चैप्टर्स। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थोड़े से ज्यादा टेक्निकल है, बाकी इतने टेक्निकल नहीं है। चलिए आपसे सवाल, इनिशियल इकोनॉमी में जो बहुत पुराने जमाने जो इनिशियल इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड की, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी लोग करते थे, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी लोग करते थे इनिशियल लेवल पे, बताइए। इनिशियली जब दुनिया डेवलप होना थोड़ी शुरू, कौन लोगों का काम क्या था, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही, क्या था, एग्रीकल्चर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे पुराने जमाने में, ओन रिसोर्सेस, खुद की जमीन है, खुद का ही पैसा है, खुद के लोग है, इसलिए बच्चे ज्यादा हुआ करते थे, बहुत सारे। बचपन में पढ़ा भी होगा आपने कि व्हाई पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एंड सो ऑन, बोले जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा काम करने वाले लोग। अरे हंसकर ऐसे ही था, करेक्ट। हाँ, और उनके पास और कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं था। तो ओन रिसोर्सेस, अपनी जमीन है, अपना ही पैसा है, लोग भी अपने हैं, और जो बड़े लोग थे वो मैनेज करते थे, मतलब विश्वास ही विश्वास था, देयर वाज अ ट्रस्ट, हर जगह विश्वास था, कोई टेंशन नहीं था, फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं थी, चोरी की कोई गुंजाइश नहीं थी, बहुत ही कम थी ये सारी चीजें। इतना विश्वास था कि कोई खास हिसाब किताब रखना, उसको चेक करना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, अब मॉडर्न डे इकोनॉमी,
मॉडर्न डे इकोनॉमी की अगर हम बात करें, भाई साहब आज के डेट में खुद का पैसा नहीं है, जो खुद के पैसे धंधा करे वो बेवकूफ है। आज के डेट में पैसा उठाया जाता है, बताओ कंपनी कहां कहां से पैसा उठाती? बैंक से लोन उठा रहे, और शेयर से, कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ओके बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिपॉजिट से पैसा उठाते। बिल्कुल सही है, आज के डेट में पैसा इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड, लोन्स, डिपॉजिट्स, अलग अलग सोर्सेस से पैसा है। यस नो? मतलब पैसा बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, जो लोग पैसा लगा रहे वही धंधा चलाते क्या? वही धंधा चलाते क्या? 25 लाख शेयर होल्डर है लिस्टेड कंपनी के, क्या वो 25 लाख लोग मिलकर कंपनी चला सकते हैं? अरे तुम्हारे दोस्त या फिर मेरे दोस्त वीकेंड पे क्या करना उस पर झगड़ते रहते हैं, इन मिन 10 लोग प्रोग्राम फाइनल नहीं कर पाते, ठीक है? इतने लाखों लोग कोई कंपनी चला सकते हैं क्या? नहीं। इतने लोग साथ में मिलकर नहीं चला सकते, इसलिए कंपनी को चलाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। उसमें कौन कौन है? डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, बिल्कुल सही, सेपरेट। इस बार खास चीज है, पैसा लगाने वाला कोई और है और मैनेज करने वाला कोई और है, उसमें कौन कौन है? एमडी, सीईओ, सीएफओ। देखो जमाना बदल गया, पहले पैसा अपना था, पैसा दूसरों का है, पहले मैनेज खुद करते थे, अब मैनेज कोई और कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एमबीएज है, आईआईटीएंस है, और काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज और कंसल्टेंट्स। इन सबको एक चीज पता करनी है, इन सबको एक चीज पता करनी है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप मुझे बताओ कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल पोजिशन चाहिए तो बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस चाहिए तो PNL, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गाइज, चेंजिंग वर्ल्ड में क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग, सडनली एक चीज का इंपॉर्टेंस मल्टीफोल्ड बढ़ गया, वो क्या है? अरे वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बाप, देखिए, ठीक है, पहले देख लीजिए, मैं ये नोट्स भी शेयर करूंगा। पैसा किसने लगाया? शेयर होल्डर्स एंड फाइनेंसेस। फंडिंग किसने की है? शेयर होल्डर्स और फाइनेंसेस ने। चला कौन रहा है? चला कौन रहा है? मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस नो? ये सब पढ़ते हो, आप देख चुके हो, मुझे बताइए डिसीजंस कौन ले रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ट्रांजैक्शन करवा कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके अंदर के लोग। तो डिसीजन वही ले रहे हैं, ट्रांजैक्शन कौन करवा रहे हैं? वही लोग। अकाउंटिंग कौन कर सकता है? जिसके पास नॉलेज है, वो नॉलेज किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे ध्यान दो, डिसीजन कौन? मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन कौन करवा रहा है? मैनेजमेंट। जिसके पास नॉलेज, अकाउंटिंग कौन करवा रहा है? मैनेजमेंट। तो बुक्स अकाउंट्स मेंटेन कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। ट्रायल बैलेंस कौन बनवाएगा? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनवाएगा? मैनेजमेंट। ये सब कुछ कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। अच्छा, पैसा लगाया किसने? शेयर होल्डर्स। और चला कौन रहा है? मैनेजमेंट। इसी को आप लॉ में पढ़ते हो, देयर इज अ स्प्लिट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पैसा लगाने वाला कोई और है और चलाने वाला कोई और है। और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इलॉन मस्क इतने धंधों का मालिक नहीं होता, मुकेश भाई इतने बिजनेस कर नहीं सकते, आप भी मल्टीपल बिजनेस कर नहीं सकते। इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैज हैपन टू ह्यूमैनिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, कि पैसा कोई एक लगा रहा है और चला कोई और रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिन्होंने पैसा लगाया ओनर्स, दे आर वरिड कि मैनेजमेंट मेरे पैसों से पार्टी तो नहीं कर रहा, मेरे पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहा, उसको डाइवर्ट तो नहीं कर रहा, इसकी चिंता है। यस नो? देयर इज अ सीरियस लैक ऑफ ट्रस्ट।
और आजकल डेट में तो बढ़ता जा रहा है, इतना झूठ फैला हुआ है, इतना झूठ फैला हुआ है कि क्या सच है क्या, इनको डर लग रहा है। मैनेजमेंट बोलता है चिंता मत करो, मैंने आपका पैसा बराबर यूज किया है और मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे रहा हूं, लेकिन ऐसा हो गया खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ, इंस्टीट्यूट ने बोला बच्चों पेपर हो जाएंगे खत्म, उसके बाद एक हफ्ता आ जाना अपने पेपर चेक करने के लिए। तो बच्चे लिखेंगे मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि मैं सीए बनूं, मैं नहीं तो कौन बे। एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग। ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पैसा लगाने वाला अलग है, चलाने वाला कोई और है, और खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद बना रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द कॉन्सेप्ट आया ऑडिट का, एंड इज वेरी सिंपल। ऑडिट को बहुत सिंपल शब्द में बोले, ऑडिट इज इक्वल टू चेक प्लस रिपोर्ट। बहुत ही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है, ये देखा आप लोगों ने। आप देखो अपने जो क्लास के नोट से इस तरीके से बनाओ कि आपको रिवीजन के काम है। किसके काम है? रिवीजन। स्मार्ट बनो, हर चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम, ये शायद आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ एक बैकग्राउंड बताना था, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कि पहले दुनिया अलग थी अब दुनिया अलग है, इसलिए किसकी जरूरत है? ऑडिट की। नाउ लिसन, लेट मी टेक यू, आपको समझ में आएगा और मैं सही बता रहा हूं। टुडेज प्रॉब्लम इज सीरियस, बिग प्रॉब्लम, सीरियस लैक ऑफ ट्रस्ट। ये भी नहीं लिखोगे चलेगा, मैं आपको फटाफट एक केस बता रहा हूं, इससे आपको बहुत ज्यादा, देखो फर्स्ट लेक्चर में मुझे आपका बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट चाहिए इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। इसलिए जहां पे जो चीज कनेक्ट होती है वही हम लोग करेंगे। लेट्स सी गाइस, लकिन कॉफी, बहुत बहुत बड़ा ब्रांड चाइना का, जेनी, जेनी को अच्छी कॉफी नहीं मिलती थी। जेनी वॉज हैविंग प्रॉब्लम, उसको अच्छी कॉफी नहीं मिलती थी चाइना में। शी यूज्ड टू लव कॉफी। उसने बोला यार चाइना में अच्छे कॉफी शॉप्स क्यों नहीं है? यूएस में ऑन एवरेज एक बंदा 50 कप कॉफी पी रहा है साल में, चाइना में सिर्फ 5-6 कप पी रहा है साल में। ह्यूज स्कोप ऑफ कॉफी। उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया, साथ में लिया चार्ल्स को, एक्सपर्ट कंपनी बनाने में, पैसा उठाने में, वैल्यूएशन करवाने में, लिस्टिंग करवाने में, काम को संभालने के लिए जियान। ये होती है क्रिएटिविटी, ये है तुम्हारे अंदर का बचपना। डोरेमोन के ऊपर ही नहीं उठे अभी तक। धन्यवाद, ठीक है, डोरेमोन अभी मुश्किल है। नाउ लुक एट दिस गाइस, 2018 में पहला स्टोर ओपन करते बीजिंग शंघाई में, पहला स्टोर जेनी चार्ल्स से लोग मिलकर, 2 साल में 4,500 स्टोर्स। करो कैलकुलेशन हर महीने कितना हुआ, 187.8, लगभग 180-200 स्टोर्स हर महीने। माइंड ब्लोइंग ग्रोथ, माइंड ब्लोइंग ग्रोथ। लगभग ये लोग 180-200 स्टोर्स हर महीने खोल रहे थे, एंड 2 साल में 40 मिलियन, 4 करोड़ कस्टमर्स को इन्होंने सर्व किया, 4 करोड़ कस्टमर्स। स्टारबक्स कितनी बड़ी कंपनी है, $150 बिलियन 1 बिलियन 7,500 करोड़ होता है, 7,500, बस अब मत करो कैलकुलेशन।
स्टारबक जितनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा था, ये लोग उतने तेजी से ग्रो कर रहे थे दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में चाइना में, 2 साल में 6,500 स्टोर्स। लुक एट द फिनोमिनल ग्रोथ। ऐसा राइज सबको चाहिए। 18 महीने में यूनाइटेड स्टेट्स में लिस्टिंग, इंडिया नहीं, कहां पे? यूनाइटेड स्टेट। आज के डेट में सबसे स्ट्रिंजेंट लॉ, सबसे स्ट्रिक्ट लॉज, रूल्स रेगुलेशन है तो किसके है? यूएस के। वहां पे लिस्ट होते हैं लोग। 600 मिलियन US डॉलर आईपीओ में उठाए, 1,000 मिलियन डॉलर उसके बाद में बॉन्ड्स में उठाए, 600 मिलियन आईपीओ में, 1,000 मिलियन उसके बाद। कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा पी फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है। ड्रीम करते हैं एमबीएस और चार्ट अकाउंटेंट्स की एंट्री मिल जाए, कहां पे? ब्लैक रॉक में। ब्लैक रॉक ने पैसे लगाए, सिंगापुर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट फर्म ने पैसे लगाए, चाइना की इन्वेस्टमेंट फर्म ने पैसे लगाए। बड़े बड़े लोग, छोटे मोटे लोग नहीं, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग पैसा लगा रहे। 2018 में वैल्यूएशन क्या था? 1 मिलियन। 2019 एक साल में लगभग 3.9 बिलियन। फिनोमिनल। बड़े बड़े एमबीए स्कूल्स में एग्जाम्पल किसका? लकिन कॉफी। यूएसडी 2020 में 5 बिलियन, मार्केट प्राइस भयंकर बढ़ गया। लोगों ने बोला ये बहुत कम है, वैल्यू कितना है सिर्फ 5 बिलियन। अभी कितना था? 5। और स्टारबक्स का कितना है? 150 बिलियन। लुक एट द स्कोप। ये स्टारबक्स को पीछे छोड़ देगा, उसका मार्केट खा जाएगा। लोग बोले 5 बिलियन डॉलर भी बहुत कम है, 150 बिलियन डॉलर है स्टारबक्स का। जोर पैसा, पैसों की बरसात हो रही है कंपनी के ऊपर, बहे जा रहे पैसे। एंड अब कहानी में आता है मडी वाटर्स LLC। हिंडनबर्ग का नाम सुना? सेम। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के 2 तरीके, सस्ते में खरीद, महंगे में बेच। 100 रुपए माल खरीद, 150 में बेच। और एक तरीका, 150 में बेच, शॉर्ट सेलिंग। ऐसा भी पॉसिबल, तुम्हारे पास शेयर्स नहीं है फिर भी तुम बेच सकते हो। दिन के शुरुआत में आपने, इंडिया में आज के सिर्फ 1 दिन का शॉर्ट सेलिंग अलाउड है। और आप और भी उसमें थोड़ा सीखोगे, आप लोगों से शेयर उधार ले सकते हो और फिर कर सकते हो काम। एनीवेज, दूसरा रास्ता है 150 में बेच और डे एंड में 100 में खरीद। सेलिंग प्राइस कितना है? 150। परचेस प्राइस कितना है? 100। कितना प्रॉफिट है? 50। मैं बोलता हूं पहला रास्ता तो पूरी दुनिया लेती है, सस्ते में खरीद महंगे में। जो शातिर लोग है ना, जो महंगे में बेचते हैं और सस्ते में खरीदते हैं। हिंडनबर्ग, क्या पैसा कमाया होगा हिंडनबर्ग ने, माइंड ब्लोइंग। मडी वाटर्स, ये बहुत शातिर एकदम छुपके बैठे रहते। कोई कंपनी की बहुत ग्रोथ हो रही है, होने दे, पकने दे अभी डिश को, और बढ़ने दे। और फिर इन्होंने क्या किया, इनको शक हुआ, इन्होंने चाइना के 500 स्टोर्स पे अपने लोग भेजे सर्वे के नाम से, कॉफी सर्वे के नाम से, और उनको बोला काउंट करो कितने कस्टमर्स जा रहे और आ रहे, और ये भी देखो कि ऑन एन एवरेज कितने रुपए की कॉफी ले रहे। इन्होंने 500 स्टोर पे अंदाजा लगाया कितना सेल है, तो पूरे 2,000-4,000 पे कितना, 4,000 पे कितना है। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स, ये तो फेक सेल दिख रहा है। 80% ऑफ द सेल वॉज फेक। जैसे उनको पता चला, चुप, बढ़ने दो। सही समय पे आने पे अनोनिमस रिपोर्ट निकाल दी बाहर, अनोनिमस रिपोर्ट बाहर निकाली और शेयर प्राइस 97% से गिर गया। मतलब उन्होंने कितना कमाया? 97%। शातिर। लेकिन हर बार ऐसा गेम चले जरूरी नहीं, कभी कभी बैकफायर भी होता। कभी आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, उनका भी मैं बताऊंगा अपने क्लास में, वायर कार्ड कंपनी जर्मनी की, भाई साहब फेक कंपनी पूरी, लेकिन इतना पैसे का पावर। जब भी किसी ने ऐसी रिपोर्ट निकाली
पूरा अपने पैसे की ताकत से इतना खरीदते थे माल, इतना माल खरीदते थे कि भाव टूटता ही नहीं था। एनीवेज बहुत गेम होता है। 69% सेल्स वेयर फेक जून में 88% 97 से गिर गया। मॉडस ऑपरेंडी एकदम सिंपल थी। सुनो, कॉफी अगर शॉप पे आना है तो कमाने के मतलब कॉफी खरीदने के दो तरीके थे, एक अपना यूपीआई डिजिटल पेमेंट या फिर दूसरा कूपन, मतलब बल्क में कूपन खरीद लो फिर कूपन देके कॉफी खरीदना। जिसको रोज कॉफी पीनी है कूपन है, रोज ऑफिस जाता है लंच में जब भी कॉफी पीता है कूपन ले लो, फिर कूपन देके क्या लेने का कॉफी। अब इन्होंने गेम क्या खेला देख लो, यहां पे गेम है पूरा, आपको समझ में आता है क्या। ये बहुत फेमस फ्रॉड है, राउंड ट्रिपिंग। कौन सा फ्रॉड है? राउंड ट्रिपिंग। क्या होता है सुनो, व्हाट हैपेंस इन दिस। सबसे पहले कंपनी में मिलियंस ऑफ डॉलर पैसा आया था, आईपीओ से कितना आया था 600 मिलियन, बॉन्ड से कितना आया था 1000 मिलियन। वो पैसा कंपनी से बाहर निकाला लोन के नाम से, शेल कंपनी मतलब, शेल कंपनी मतलब डॉर, कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर है, सिर्फ बैंक अकाउंट है। पहले जो पैसा आया आईपीओ से वो पैसा पहले बाहर निकालो, शेल कंपनी को क्या दो लोन, उनसे क्या करो परचेस, उनसे क्या करो कंसल्टेंसी। पहले देखो पैसे का फ्लो है, मिलियंस ऑफ डॉलर पैसा पहले लेकर आओ कौन से कंपनीज में, शेल कंपनी आया। अब फिर इसको पहुंचाओ दूसरी शेल कंपनी के पास, अपना पैसा बाहर निकाला लोन के नाम से, परचेस के नाम से, कंसल्टेंसी चार्जेस के नाम से। अरे हवा लग रही है क्या? बहुत सारे स्टार्टअप्स में ही होता है, इसलिए बोल रहा हूं आज के डेट में विश्वास करना बहुत मुश्किल है कौन कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, कितना बेवकूफ। और ये लिस्टेड कंपनी की बात कर, वो भी लिस्टेड कहां पे, यूएस। इनके ऑडिटर कौन थे? ईवाय। और रिपोर्ट आने के पहले पहले वो लेटर लिख लिख के लोगों को बोल रहे थे बहुत अच्छी कंपनी विश्वास करो, मतलब बेवकूफ बना दिया ऑडिटर। और ये एक केस नहीं, पूरे दुनिया में ऑडिटर को तबियत से बेवकूफ बना रहे, तबियत से एकदम। अब आपके ऊपर है, आप बनोगे कि पकड़ोगे, क्या करोगे, बनोगे कि पकड़ोगे। कुछ और बोल रहे हम बनाएंगे। लिसन, पैसा शेल कंपनी में आया, अब शेल कंपनी को दिया, अब लोगों ने कूपन खरीदना शुरू किया। अच्छा, कॉर्पोरेट लोगों ने ऐसा दिखाया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कूपन खरीद रहे, एनजीओस कूपन खरीद रहे, कॉलेजेस कूपन खरीद रहे। पैसा वापस लाया कहां पे, कंपनी में। गेम सुना कैसा हुआ, पहले पैसा कहां गया, शेल कंपनीज, और वापस लाया, वापस किसके दूसरे, शेल कंपनीज। गेम क्या था, कूपन। अब सिस्टम के अंदर एक बंदे को बिठाया, उसको बोला देख ये कूपन को पूरे चाइना में फैला दे, ऐसा दिखा ये कूपन से सेल हो रहा पूरे चाइना में। सिस्टम के अंदर कूपन दिखने लगे, सेल सेल सेल, ये स्टोर में इतना सेल, वो स्टोर में इतना सेल, एक्चुअल में कुछ भी नहीं चल रहा ग्राउंड लेवल पे, सिर्फ सिस्टम के अंदर कूपन एक्टिवेट होते जा रहे एंड नथिंग एल्स, बस। और ऑडिटर आया तो उसको बोला देख पैसे आ गए, तो इतना की चिंता कर रहा है, पैसे तो आ गए मतलब सेल सही है। लेकिन ऑडिटर ने यह भी सोचना चाहिए था कि क्या ये जेन्युइन सेल है, क्या ये तो अपना ही पैसा गोल गोल घुमा रहे हैं। ऑडिटर को बेवकूफ बनाया कि पैसे मिल चुके अब तू शक क्यों कर रहा है सेल के ऊपर, और ऑडिटर भी बेवकूफ बन गए अनफॉर्चुनेटली। आजकल ईमान खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, सोच के देखो। आपको भी अगर कोई 10 करोड़ 20 करोड़ दे रहा है, देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग बोल भी सकते हैं हाँ चलेगा ना यार 20 करोड़ उठा लेता हो, 20 करोड़ उठा लो मार्केट में, इंटरेस्ट पे लगा देंगे, हर साल कम से कम 10% मिलेगा, मतलब कितना हो गया 2 करोड़। इतनी सैलरी तक पहुंचने के लिए 20 साल लग जाएंगे, 2 करोड़ की तुमको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, चलता क्या फिर 20 करोड़, चलता क्या? दौड़ेगा बस, जिस दिन की कमाई जब ये फ्रॉड बाहर आता है तो सब खत्म हो जाता है। नाउ लिसन गाइस, इन्होंने क्या गेम किया,
अगर $1 million को तुम एक बार घुमाओगे तो कितना सेल जनरेट हुआ? 1 million. 50 बार घुमाओगे तो 50 million. इतने मल्टीपल टाइम इन्होंने साइकिल चलाई, सेल ही सेल, और इन्वेस्टर पागल हो गए, दीवाने हो गए. 4,500 स्टोर, इतना सेल चल रहा है, बहुत बढ़िया. पहली बार में $1 million का फेक सेल्स, दूसरी बार में 10 million, तीसरी बार में $300 million फेक, और वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है. एंड आई एम सेइंग इट ट्रूथ. इंडिया में अगले 5 साल में देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां उड़ रही है. झूठ हमारे सिस्टम में बहुत गहरा फैला हुआ है, गहरा. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ईवाई ऑडिटर्स थे, कुछ पकड़ नहीं पाए. नाउ द पॉइंट इज, शक बहुत सारा था. सारे शेयर कुछ लोग के हाथ में है ना, कुछ ही डिसीजन मेकर, शक. इतनी रैपिड ग्रोथ, शक हो जाना. इतनी जल्दी आईपीओ, शक हो जाना. और सबसे मेन, उनका मेन धंधा प्रॉफिटेबल नहीं था. पर कॉफी उनको लॉस हो रहा था. अगर ऑडिटर देखता समझ जाता कुछ तो गड़बड़ है. वो तो प्रॉफिट क्यों दिख रहा था, क्योंकि सिर्फ सेल दिखा रहे और खर्चे कम है. एनीवेज, पॉइंट इज, ये एग्जांपल से हमको समझ में आता है कि आज के डेट में आप ट्रस्ट कर नहीं सकते हो. यू कैन नॉट ट्रस्ट. अब ये लिखना है, और ऑडिट की बड़ी प्यारी डेफिनेशन. नाउ वी गो टू द अगेन डीप थिंग. बेस्ट डेफिनेशन आपको दी है CA इंस्टीट्यूट ने. द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लिख सकते हैं, पहले देखते जाइए. मुझे बताइए, ऑडिट एक बहुत सोची समझी एक्टिविटी होनी चाहिए कि रैंडम एक्टिविटी होनी चाहिए? तो ऑडिट इज, देख लीजिए पहले, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट. ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट. पहले हम लोग देख लेते, फिर एक एक वर्ड का मतलब देंगे. सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन. टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. अब पहले एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग लिखना. ऑडिट इज वेल डिजाइंड, बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है. सिस्टमैटिक मतलब इट हैपन्स एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सो इट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, वेल डिजाइंड एज पर व्हाट? एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इंडिपेंडेंट, सुन लीजिए, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कंपनी ने अगर अपनी डायरेक्टर से ऑडिट करवा लिया, कोई मतलब है क्या? इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे मम्मी पापा से पेपर चेक करवा लिया, कोई मतलब है क्या? हाँ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. आपकी भाई बहन दोस्तों से पेपर चेक करा लिया, बनता है क्या? नहीं. इट्स नॉट अ फेयर चेकिंग. ऑडिट में भी जिस कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे हो, उस कंपनी के शेयर होल्डर, उस कंपनी के एम्प्लॉयज अगर ऑडिट करते, कोई मतलब नहीं है. इसीलिए इंडिपेंडेंट, ऐसा व्यक्ति जो डिपेंडेंट नहीं है लीगली, फाइनेंशियली, पर्सनली ऑन दी कंपनी. ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट. ऐसा व्यक्ति ऑडिट करेगा जो डिपेंडेंट नहीं है, कैसा? लीगली, और डिपेंड नहीं है फाइनेंशियली, और नहीं है पर्सनली ऑन द कंपनी. सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. चेकिंग है, यस, हर जगह पे चेकिंग है. कौन बताएगा मुझे रेंट को कैसे चेक कर सकते फटाफट? रेंट कैसे चेक कर सकते? यस, अपन ने कंपनी ने 50 लाख का रेंट का पेमेंट किया, 50 लाख का रेंट पेमेंट कैसे चेक कर सकते? रेंट अग्रीमेंट बना होगा, उससे चेक करो. और पेमेंट किया होगा तो उसकी रिसीट मिली होगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 50 लाख का रेंट दिख रहा है उसी को चेक करना है, उसी को चेक करना है. हाँ, PNL में उसकी अकाउंटिंग एंट्री. ओके, और यस, प्रिमाइसेस. सही में प्रिमाइसेस है क्या जहां पे धंधा चल रहा है? प्रिमाइसेस जाकर देखो सही में धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसी जगह है कि नहीं.
नहीं तो खोसला घोसला बस काल्पनिक है, ऐसा तो नहीं। हाँ फिजिकली आप जाकर देखो, और देखो अब मैं आपको एक सिंपल सा थोड़ा इमेजिन करो, कंपनी ने रेंट पे सबसे पहले क्या किया होगा, जगह जाकर देखी होगी, आप भी जाकर देखो जगह है कि नहीं है, धंधा चल रहा है कि नहीं है, फिर उन्हें अग्रीमेंट बनाया होगा, तो आप भी जाकर क्या करो चेक, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में 50 लाख करंट है कि नहीं है, फिर पेमेंट किया होगा, बैंक स्टेटमेंट लो, पेमेंट किया होगा, बैंक स्टेटमेंट 50 लाख दिख रहे कि नहीं दिख रहे, वहीं पे उन्हें टीडीएस काटा होगा, रेंट पे करते क्या काटा होगा, टीडीएस। तो देखो टीडीएस काटा है ना, टीडीएस के डॉक्यूमेंट से मैच होता है कि नहीं है, उसने रिसीट दी होगी, रिसीट है कि नहीं है, फिर आपने एंट्री पास की होगी, एंट्री है कि नहीं है। देखो सोचने का तरीका, देखो याद रखना बहुत आसान है, आप ये सोचो कंपनी ने क्या किया होगा, उन्होंने जगह देखी होगी, तुम भी देखो, उन्होंने अग्रीमेंट बनाया तुम भी देखो, उन्होंने पेमेंट किया होगा तुम भी, बैंक स्टेटमेंट देखो, उनको रिसीट मिली होगी तुम भी देखो, उन्होंने टीडीएस काटा होगा तुम भी देखो, आपको अपने आप विजुअलाइज होगा कि आपने कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए। All it is simply checking income, expense, assets and liabilities and notes to accounts. Notes to accounts कभी देखे आपने को ना? बताऊंगा मैं। Now it's an examination of rent, examination of financial records. आपको एक word आएगा vouchers. क्या आएगा? Vouchers. Vouchers मतलब supporting document. हर ट्रांजैक्शन जब एंटर होता है, हर ट्रांजैक्शन जब एंटर उससे क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। परचेस के लिए क्या है, परचेस इनवॉइस, सेल्स के लिए सेल्स इनवॉइस, डेप्रिसिएशन के लिए उसकी वर्किंग, इन्वेंट्री के लिए उसकी वर्किंग, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वाउचर। हम वाउचर चेक करते हैं, वाउचर से जर्नल, वाउचर से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इट इज अ इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म। ये मजेदार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म मतलब, हाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ सर एनी फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन वाले बताएंगे इसका मतलब क्या हुआ, बोले विशाल सर बोल रहे फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। हाँ बहुत बढ़िया, ओके बताइए इरिस्पेक्टिव लीगल फॉर्म मतलब, अरे बचपन में पढ़ा है, इरिस्पेक्टिव लीगल फॉर्म, अरे धंधा करने के बहुत सारे लीगल फॉर्म है रे बेटा, प्रोप्राइटर भी एक लीगल फॉर्म है, पार्टनरशिप भी एक लीगल फॉर्म है, कंपनी भी एक लीगल फॉर्म है, ट्रस्ट भी एक लीगल फॉर्म है, सोसाइटी भी एक लीगल फॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लीगल फॉर्म है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, लीगली तुम कैसे भी हो, तुम प्रोप्राइटर हो कि पार्टनरशिप हो कि कंपनी हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तुम सबका ऑडिट होगा, इसलिए जहां जहां पैसा वहां वहां पे अकाउंटिंग, और जहां जहां पे अकाउंटिंग वहां वहां पे ऑडिटिंग, इसीलिए तो सीए का इतना स्कोप है, कोई भी लीगल फॉर्म हो, प्रोप्राइटर का भी ऑडिट होता है, पार्टनरशिप का भी होगा, कंपनी का भी होगा, ट्रस्ट का भी होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, पैसा कमाने वालों का भी प्रॉफिट होता है और एनपीओ का भी प्रॉफिट होता है, रिलायंस का भी ऑडिट होगा, और हेल्पलाइन है, कौन से हेल्प है, हेल्पेज इंडिया है, उसका भी ऑडिट होगा, या फिर आजकल मिलाप, ऐसी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटी का काम करती है, उनका भी वहां पे तो ज्यादा ऑडिट होना चाहिए, कुछ लोग आसाराम बापू जैसे निकलते हैं। बराबर भाई भाई भाई, नो कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है, कल पता चला क्लास में कुछ लोग आ गए मेरे को मिलने के लिए, बिजनेस बिजनेस का भी ऑडिट होता है और एनपीओ का भी ऑडिट होता है, वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विद अल्टीमेट ऑब्जेक्ट टू गिव ओपिनियन। ये ओपिनियन वन बहुत जोरदार है, बहुत ही जोरदार, आपने कभी सुना है ओपिनियन, कहीं पे सुना है आपने, कहां कहां ओपिनियन वर्ड सुना है, थोड़ा सोच के दो, घर पे सुना होगा, डिस्कशन होता है तो ओके आपका क्या ओपिनियन है, डॉक्टर्स में सुना है, एक डॉक्टर से, एक डॉक्टर से ओपिनियन ले लिया, दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले लेते हैं, सुने यस नो,
अब ध्यान से सुनो, ह्यूमन बॉडी बनाई इट्स थ्रू नेचर, बनाने वाले तो भगवान है, वो तो अभी भी आज भी मिस्ट्री। इतना हम ग्रोथ प्रोग्रेस कर चुके, सब कुछ कर चुके, AI सब कुछ आ गया, लेकिन आज भी मिस्ट्री है। तो बनाने वाला तो भगवान है, नेचर है। आज भी खून नहीं बना पाए हम लोग, ठीक है, लेकिन उसको चेक करने वाला कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर बोलता बनाया किसी और ने, चलाता कोई और है, मैंने तो सिर्फ क्या किया है, एग्जामिन। फुल प्रूफ कुछ नहीं बोल सकता मैं। मैंने बोला हार्ट अटैक नहीं आएंगे, हॉस्पिटल के बाहर आ गया, यू नेवर नो, ये आपको पता है। इसलिए मैं क्या दे रहा हूं, ओपिनियन। जब कोई आदमी गारंटी श्योरिटी के साथ कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदाजा इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है, तो वो क्या देता है, ओपिनियन। ऑडिट में भी सेम है, 365 दिन अकाउंटिंग किसने करवाई, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किसने, मैनेजमेंट। सारे जजमेंट एस्टिमेट लिए किसने, मैनेजमेंट। हम गए थे एक हफ्ता, जुम्मा जुम्मा एक हफ्ता, एक हफ्ते में भी हम लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सैंपलिंग की हमने, 365 दिन की अकाउंटिंग चेक करने के लिए एक हफ्ता हम लोग गए सैंपलिंग की। उनका 300 लोगों का स्टाफ है, हमारा 20 लोगों का स्टाफ गया था। हम कैसे देते गारंटी, कैसे दे श्योरिटी? चल दिया गारंटी, ऑडिट फीस 2 करोड़ नहीं होंगी, 20 करोड़ होंगी, देता क्या? नहीं देता। प्रैक्टिकल चैलेंजेस की वजह से सब कुछ 100% चेक करना पॉसिबल नहीं है। जब मैं चीजों को अंदाजे से चेक कर रहा हूं, मोटा मोटी चेक कर रहा हूं, ऊपर से चेक करो, तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा, ओपिनियन। इसीलिए ऑडिट में हमेशा वर्ड होता है ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट ओपिनियन, नॉट फुल प्रूफ बेस्ड ऑन जजमेंट। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या बताना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्विकली पूरी डेफिनेशन, ऑडिट इज सिस्टमैटिक, सब जवाब देंगे, ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, वेदर आर नॉट, प्रॉफिट ओरिएंटेड विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब सबसे प्यारा वर्ड है ट्रू एंड फेयर। ट्रू मतलब क्या, ट्रू मतलब ट्रू मतलब सच, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलायबल। परचेस लिखे तो हुआ है क्या, सेल लिखा है तो हुआ है क्या, फिक्स्ड लिखा है तो है क्या, लोन लिखा है तो है क्या, यस नोट, दैट इज ट्रू। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर, इसका गोरापन तो बिल्कुल मतलब, गोरापन तो बिल्कुल मतलब नहीं है। ये देखो गोरे लोग मुस्कुरा रहे, मैं हूं ना बोले, ओके नाउ लिसन, फेयर मतलब न्यूट्रल अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग देना, ना चीजों को बढ़ाकर बताना, ना चीजों को कम करके बताना, उसको बोलते हैं फेयर। फेयर मतलब न्यूट्रल अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग, ना चीजों को बढ़ाकर बताया, ना चीजों को कम करके बताया, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जिस दिन मिले उसको हम बोलते हैं फेयर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी सुनो, कंपनी के फिक्स एसेट्स थे पिछले साल 50 करोड़, फिगर कितने थे 50 करोड़, इस बार हो गए 200 करोड़, आपको क्या लग रहा है ये देख के, आपको ये देखकर क्या लग रहा है, 50 करोड़ से कितने हो गए 200 करोड़, तो क्या लग रहा है, परचेस हुआ है, यस नो, एक्सपेंशन हुआ है, यस नो, नई फैक्ट्रीज आई है, यस नो, नई ब्रांचेस हो रही है, यस नो, एक्सपेंशन है, करेक्ट, अगले साल सेल बढ़ेगा, एक्सपेंशन होता है तो अगली स्टेप क्या होती है, सेल बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, सेल बढ़ता है, क्या पैसा लगाना चाहिए, यस लगा डालो। ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में उन्हें एक लाइन नहीं लिखी जो लिखनी चाहिए थी एज पर शेड्यूल 3 कि कंपनी ने रिवैल्यूएशन करवाया, कंपनी ने क्या करवाया, रिवैल्यूएशन। क्या AS 10 के हिसाब से रिवैल्यूएशन पॉसिबल है,
AS 10 के हिसाब से रिवॉल्यूशन पॉसिबल है? यस, रिवॉल्यूशन इज पॉसिबल। अरे जहां पे जमीन थी वहां से रोड जा रहा है, वहां से मेट्रो जा रही है, जमीन की वैल्यू जबरदस्त बढ़ गई, 50 करोड़ की जगह 200 करोड़ हो गया। लेकिन ये हो रहा है किसके वजह से? रिवैल्यूएशन। वो एक लाइन अगर तुम डाल दो नोट्स टू अकाउंट्स में तो फेयर प्रेजेंटेशन है, और वो एक लाइन निकाल दो तो झूठा प्रेजेंटेशन है। इंफॉर्मेशन सच है, झूठा मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग है। इंफॉर्मेशन सच है 50 का 200, लेकिन अगर तुम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना चाहते तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा होना चाहिए था कि इस साल क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन। इसलिए शेड्यूल 3 में लिखा है, आपको पता होगा, तो 5 साल कभी आएगा, अभी हम भी देखेंगे, 5 साल तक बताना पड़ता है रिवैल्यूएशन हुआ तो, ताकि कोई बेवकूफ ना बने। सेम चीज एप्लीकेबल है शेयर कैपिटल, अगर बोनस इशू हुआ है तो वो भी कितने साल तक बताना पड़ता है? 5 साल तक। अरे कितने साल तक? 5 साल तक। सुनो, वैसे ही एक कंपनी है, सेल 4 गुना हो गया, फिक्स एसेट 2 गुना हो गए, प्रॉफिट 5 गुना हो गए, आपको क्या लग रहा है? ग्रोथ ही ग्रोथ है। नोट्स टू अकाउंट्स में एक लाइन लिखना भूल गए, इस साल 2 कंपनी को एमलगमेट किया, कोई ग्रोथ नहीं है, 2 कंपनी को एमलगमेट किया था, इसलिए सेल्स बढ़ गए, इसलिए एसेट्स बढ़ गए, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ गई है। बेवकूफ बनाया जा रहा है, मतलब वो लाइन निकाल करके, और ये करती है बाइजूस, एमलगमेशन पे एमलगमेशन, कंपनी पे कंपनी, और फिर अगले साल बात है हमारा ग्रोथ इतना हो गया। आपको ऐसा दिखता है स्टार्टअप था, पहले 2000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब कितना हो गया? 4000। ये भी बता दे कितनी कंपनी खरीदी तूने, तूने खुद ने कुछ नहीं कमाया, तूने 4 कंपनी खरीद के यहां तक तू पहुंचा है। इसीलिए फेयर मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ना बढ़ाकर ना कम करके। लिखो फटाफट, ये प्रॉपर न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग, नो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कोई भी डाउट होगा बताएंगे ऑनलाइन वाले भी। और गाइज, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय में ऑडिट का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि झूठ जिस तरीके से फैला है, और उसमें भी एक नया ऑडिट बहुत फैलेगा, फॉरेंसिक ऑडिट, बहुत ज़्यादा। अभी जो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं ये एनुअल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ रहे हैं, पूरा हमारा कोर्स उसके ऊपर है। इंस्टीट्यूट ने अग्रेसिवली अभी तुमको ले जाना चाहिए दूसरे ऑडिट पे, फॉरेंसिक ऑडिट। साल भर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना, वो कौन सा ऑडिट हो गया आपका? एनुअल ऑडिट। जब आपको अपॉइंट करते सिर्फ सेल्स चेक करके, इनडेप चेक करके बता सेल बराबर है क्या, इनडेप चेक करके बता एसेट बराबर है क्या, लाइबिलिटी बराबर है क्या, शॉर्ट में दैट इज कॉल्ड फॉरेंसिक ऑडिट। ऊपर का लिखना है,
आप जब नोट्स बनाओ एक ही चीज दिमाग में रखो, एक ही चीज कि ये आखिरी दिन रिवीजन में काम आने चाहिए, इस तरीके से बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स की मार्किंग, लिखना, ओनली कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि कितना ज्यादा हम इसको आखिरी दिन में यूज कर सके। कभी कभी बच्चे गाथाएं लिखते नोट्स में, लेकिन आपके पास में आगे जाके इतना समय होता ही नहीं है कि आप वो गाथाएं फिर से पढ़ सको। हाँ, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है मैं खुद लिखवाऊंगा, वो अलग चीज है। अच्छा, कुछ लोग को ठीक है आदत भी होगी, इट्स ओके। कुछ लोग जितनी बात प्रोफेसर बोलता वो सब लिखते, भाई कसम से। और कुछ रहते जो लिखते ही नहीं कुछ भी, सिर्फ वो पूरे क्लास में ढूंढते रहते कौन सबसे अच्छा लिखता, क्योंकि जेरोक्स तो उसकी लगेंगी ना अपने को। ध्रुव बोल रहा है सर पैसा तो कंपनी से मिलेंगे तो फाइनेंशियल डिपेंडेंट तो हो गई। बिल्कुल सही है बेटा ध्रुव, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें की है, हम आगे पढ़ेंगे। ऑडिटर की फीस मैनेजमेंट तय नहीं करता है, शेयर होल्डर्स तय करते हैं। उसमें भी ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात है। बाकी ध्रुव की बात से बहुत सहमत हूं, आप सब सहमत हो। ऑडिटर को अल्टीमेटली पैसा कौन दे रहा है? कंपनी। तो अल्टीमेटली किसके दबाव में है वो? कंपनी। इसलिए एक नई चीज होनी चाहिए, पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट। थोड़ा सा टैक्स ज्यादा ले लो, लेकिन पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट। ठीक है, अर्णव ने बोला कि सर फॉरेंसिक ऑडिटिंग हम कैसे सीख सकते हैं? बेटा अभी हम लोग धीरे धीरे तुमको एनुअल ऑडिट बताने के बाद मैं थोड़ा सा अंदर लेके जाऊंगा। कौन से ऑडिट में? फॉरेंसिक ऑडिट। अभी इतना ही बताता हूं, जब ऑडिटर इस तरह के सबूत इकट्ठा कर ले विच आर एक्सेप्टेबल इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, उसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। दोनों में फर्क ही इतना है, फॉरेंसिक ऑडिट में सबूत इतने तगड़े होते हैं कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये दोनों में फर्क है, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट करने में फिर समय भी ज्यादा मिलता है और पैसा भी ज्यादा मिलता है। लिख लिया ये? ओके, नाउ गाइज क्विकली, हम लोगों ने आज थोड़ा क्लास का बैकग्राउंड देखा, फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट का बैकग्राउंड देखा, फिर ऑडिट का बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड हम देखते देखते गए, और फिर हम लोगों ने देखी ऑडिट की डेफिनेशन। Now we are going to start a chapter जो 20 मार्क का आपके पास आने वाला है, 6 मार्क के आपको इसमें हो सकता है MCQ आए, 14 मार्क की थ्योरी आएगी, और इसमें 20 में से 20 आप ला सकते हो, 20 में से 20 मार्क, 20 में से 20 मार्क अगर आपको कंपनी ऑडिट में मिल गए तुम ऑडिट की पूरी जंग जीत रहे हो। क्विकली फटाफट, और ये आपने थोड़ा सा लॉ में पढ़ा है, लेकिन लॉ में जितने डेप्थ में आपने पढ़ा होगा उससे भी थोड़ा ज्यादा डेप्थ में आप पढ़ने वाले हो। कहां पर? ऑडिट में। रोज लेक्चर में पहला एक घंटा हमारा ऑडिट चलेगा और अगला एक घंटा हमारा चलेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फटाफट मुझे बताइए, जितनी भी कंपनीज देयर गवर्न्ड बाय विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। मुझे बताइए कंपनीज एक्ट का कौन सा चैप्टर जो डील करता है ऑडिट से? चैप्टर 8 और चैप्टर 9 और चैप्टर 10? 8, 9 और 10, इट इज चैप्टर 10। कंपनीज एक्ट आप सबको बताया, ये चैप्टर्स के ऊपर बटा हुआ है, और चैप्टर नंबर 10 है वो खास डील करता है किससे? ऑडिट से। कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है? सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148, सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148। फटाफट बताइए कौन से कंपनियों को अपना ऑडिट करना मैंडेटरी है, कौन सी कंपनियों को ऑडिट करवाना पड़ेगा, किसको करवाना पड़ेगा, किसको नहीं करवाना पड़ेगा, बताइए। लिस्टेड को करवाना है कि पब्लिक को करवाना है, किसको करवाना है, टर्नओवर की लिमिट क्या है? ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे, सब ऑनलाइन वाले जवाब देंगे, किसको ऑडिट करवाना है, लिस्टेड को कि पब्लिक को?
की टर्नओवर मोर देन 100 crore, एवरेज एवरी लिस्टेड कंपनी, सर बोल रहे एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करना, डू यू ऑल अग्री विद मी? और उसके अलावा किसको करवाना है? प्राइवेट कंपनी को करवाना है, प्राइवेट कंपनी को आना है। कितनी लिमिट टर्नओवर? 500 करोड़। कहां से लाते हो और क्या करके आते हो? अरे मैं ये सोच रहा हूं तुम लोगों को गोल गोल घुमाना कितना आसान है। ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, ऐसा कोई एग्जेम्पशन है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ऑडिट इज मैंडेटरी टू ईच एंड एवरी कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड, प्राइवेट पब्लिक, सेक्शन 8 कोई भी हो, सबको मैंडेटरी है, कोई एग्जेम्पशन की बात ही नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारे दिमाग में डाला, तुम सब शुरू हो गए, हाँ होगा होगा, और उसमें एक शुरू हुआ लिस्टेड, दूसरे शुरू हो गए लिस्टेड, मैंने ही शुरू करवाया, यस यस लिस्टेड। मैं बोला कितना टर्नओवर, बोले हाँ 500 करोड़, सही है। ऐसा कोई सबको, स्मॉल कंपनी को भी। ऑडिट इज मैंडेटरी टू ईच एंड एवरी कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल, सेक्शन 8, सबको ऑडिट करवाना है। कोई एप्लीकेबिलिटी और एग्जेम्पशन के बारे में सेक्शन ही नहीं है, हर चीज की बहुत सारी चीजों का एप्लीकेबिलिटी और एग्जेम्पशन को लेकर सेक्शन है, ऑडिट को लेकर नहीं है। तो सर फिर कैसे बोल दिया आपने मैंडेटरी है? अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। कैसे? सेक्शन 129 सबसेक्शन 2, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करें। एजीएम में क्या प्रेजेंट करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे हम पढ़ेंगे 143(2), जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में पेश होते हैं सबका ऑडिट होना चाहिए। अच्छा, मतलब एजीएम होगी हर साल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश होंगे हर साल, और ऑडिट होगा हर साल टू ऑल द कंपनीज। ऑडिट इज मैंडेटरी टू ईच एंड एवरी कंपनी विदाउट एनी एक्सेप्शन। हवा लग रही है कि भाई? लिख लो फटाफट, लिखते जाओ लिखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ, अब लिखते जाना है। अभी इसके पहले कुछ चीजें, कंपनीज एक्ट ने धोखा नहीं दिया, तुम्हारे दिमाग ने तुमको धोखा दिया। और उस पर भी मैंने बहुत फास्ट क्वेश्चन पूछा, तुमको सोचने को ज्यादा मौका नहीं दिया, तो सब ऐसे गड़बड़ा गए। इसलिए हम वही कंपनीज एक्ट पर, लेकिन यहां पे डेप्थ थोड़ी ज्यादा होगी, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे। लॉ में जिस तरह क्वेश्चंस, लॉ में जितना वेटेज है वो हिसाब से पढ़ाया जाता है, यहां पे जितना वेटेज है वो हिसाब से पढ़ाया जाता है। कंपनीज आप मान के चलो 20 मार्क्स 20 मार्क्स और हाथ के मार्क्स से है, और आपको जान के बहुत दुख होगा। ऐसा हो सकता है, अभी फिक्स नहीं, हो सकता है कि नए कोर्स में कंपनी ऑडिट ऑडिट से सीए एक्ट लेके आएंगे, वो हो सकता है, अभी चिंता की बात नहीं है। अभी तक जितनी चांसेस है 95% सब कुछ सेम रहेगा। हाँ भाई, प्राइवेट कंपनी की एजीएम होती है ना शुभम बेटा, शुभम नहीं शुभानु, शुभानु, अरे अपने शुभम सर, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की एजीएम होती है ना, उसने बोला एक एजीएम में क्वेश्चन मार्क, मतलब उसको लग रहा है एजीएम नहीं होती, एजीएम होती है। एफएसटी का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा ध्रुव, एफएसटी में जहां पर भी एफएसटी है उसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ लिसन, हमारे सेक्शन 139 से लेके क्या है 148 अपन, लेकिन सेक्शन का सीक्वेंस हल्का सा बदलेंगे फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कशन। सबसे पहले अगर किसी को याद है सेक्शन 141 किसके लिए? सेक्शन, सर ने बोला सेक्शन 141 है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, डू यू ऑल अग्री विद दैट? यस। सेक्शन 141 किसके लिए? 141 किसके लिए? सेक्शन 141 किसके लिए? क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस। इट्स ओके गाइज, बराबर। अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, लिसन, अभी कुछ लोगों ने ऐसे सर पर रख लिया, अभी अभी तो पढ़ा था, अभी हम भूल भी गए, मैं कितने जल्दी भूलता हूं, ये तो जादू है। सुनो, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर टू फॉरगेट, अगर आप नहीं भूल रहे हो तो प्रॉब्लम है,
अगर आप भूल रहे हो तो यू आर ह्यूमन बींग एंड इट इज एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन. नाउ लिसन केयरफुली. जिस चीज को आपने पढ़ने को 30 मिनट लिए होंगे वही अगली बार रिवाइज करने के लिए आप 5 मिनट लोगे, 10 मिनट लोगे. भूलना एब्सोल्युटली फाइन है, आपके पास तरीका होना चाहिए रिकलेक्ट करने का. मैं आपको हर लेक्चर का रिवीजन देने वाला हूं, हर कॉन्सेप्ट का टैगिंग है. आपके पास चार्ट बुक है, आपके पास तरीका है चीजों को रिकलेक्ट करने का. भूलना एब्सोल्युटली फाइन है, आपके पास अगर रिकलेक्ट करने का तरीका है कि कम समय में उसको कैसे फिर से रिकलेक्ट कर लूं, तो तब तक आप लोगों ने चिंता करनी नहीं चाहिए. कभी कभी बच्चे खुद को जबरदस्ती बहुत दोष देते, मेरे को याद नहीं रह रहा, मेरा कैसे होगा, क्या होगा एंड सो ऑन. बेवकूफी है ये बात, बिल्कुल बेवकूफी है. जब तक तू रिकलेक्ट करने का तेरे पास अच्छा तरीका है, फटाफट रिकलेक्ट कर सकता है, आसानी से रिकलेक्ट कर सकता है, दो दिन तक याद रख सकता है, उतना काफी है. दो दिन से ज्यादा तेरे को याद रखने की जरूरत भी नहीं है. एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ता है, दो दिन तक याद रखना चाहिए. अरे समझ रहे क्या बात? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. और क्लास में बैठे बैठे दो तरीके के बच्चे होते हैं, अभी बता रहा हूं. कुछ बच्चों को याद नहीं आया, ये याद नहीं, पता नहीं क्या क्या याद नहीं है, भगवान कुछ तो कर, या तो सब्जेक्ट को उठा ले या तो मेरे को उठा ले. अच्छा कुछ बच्चे यहां पे रहते, रिवाइज हो गया मेरा, 20 मार्क ऑडिट के हो गए, 10 मार्क लॉ के हो गए, मेरा तो रिवाइज हो गया, मजा आ गया मेरे को लाइफ में. दिस एटीट्यूड रॉक्स. मस्त मौला, और मैं बता रहा हूँ सीए में मस्त मौला, हंसते खेलते लोग जल्दी बनते, जो सड़ सड़ के रहते ना एकदम, बहुत मुश्किल रहता उनको, क्योंकि वो रोते रहते, पढ़ने को टाइम नहीं रहता. ओके, सेक्शन 141 इज क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन. सेक्शन 141 इज क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन. कौन ऑडिट कर सकता है और कौन ऑडिट कर नहीं सकता है. सबसेक्शन 1 में है कौन ऑडिट कर सकता है, क्वालिफिकेशन. सबसेक्शन 2 में है ऑडिट फर्म के बारे में कुछ बात बोलिए. सबसेक्शन 3 में डिसक्वालिफिकेशन, 4 में कब लगाना. पहले जो दो सबसेक्शन है वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, बाकी के जो दो सबसेक्शन है वो डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है. कौन कर सकता है ऑडिट और ऑडिट फर्म में क्या होगा, कौन नहीं कर सकता है ऑडिट और कैसे अप्लाई करना डिस्क्वालिफिकेशन, इस सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4. सारे सेक्शन नंबर और सबसेक्शन याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, सारे. इतना मैं याद करा दूंगा, क्लॉजेस याद रखने पे मैं विश्वास नहीं रखता. क्लॉज नंबर याद रखने अति हो गई, वो तो सेक्शन नंबर याद है और क्या है साथ में, सबसेक्शन, मतलब गंगा नाली है. अब मर नहीं जाना है अंदर घुस के, वहां पे सिर्फ नहा के बाहर आना है. नहीं, कुछ लोग क्लॉज भी याद करते, फिर मैं बताऊं कितना याद रखना है, विल टेल यू. थ्योरी में चैलेंज होता है कितना याद रखू और कितना छोड़ दू. चैलेंज होता है ना, कितने ओन वर्ड्स और कितने टेक्निकल वर्ड्स. आई विल टेल यू कि कैसे उसको भी डिस्टिंग्विश करना है. गाइस, तो सेक्शन 141 क्वालिफाई एंड डिस्क्वालिफाई, सबसेक्शन 1 क्वालिफिकेशन, सबसेक्शन 2 ऑडिट फर्म में क्वालिफिकेशन का क्या, सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन, सबसेक्शन 4 हाउ टू अप्लाई डिस्क्वालिफिकेशन. चलिए, आपको ये बात पता है, मुझे बताइए, हु इज क्वालिफाइड टू ऑडिट, हु इज क्वालिफाइड, इंडिविजुअल पर्सन, सीए हैविंग सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस इन इंडिया. आपको कभी पूछ सकते हैं कि एक बंदा सीए बना, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर वहां पे वो सीपीए बना, उसने वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ली, क्या वो इंडिया में ऑडिट कर सकता है? नो. उसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहां का लिया? ऑस्ट्रेलिया का. तो वो ऑडिट कहां पे कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया में. इंडिया में ऑडिट कर नहीं सकता. सीओपी आपको लगेगा इंडिया का, इंडिया के सीए इंस्टीट्यूट का सीओपी लगेगा. जैसे मेरे पास में भी सीओपी है, मेरे पास में सीओपी है, मतलब आई एम क्वालिफाइड टू ऑडिट ऑफ दी कंपनीज, लेकिन मैं एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं हूं. सीओपी होना जरूरी है. सीओपी है मतलब मान लिया जाता है यू आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, एक्चुअल ऑफिस रहने की जरूरत नहीं है. क्वालिफिकेशन, इंडिविजुअल पर्सन, सीए हैविंग सीओपी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, या फिर पार्टनरशिप फर्म, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म, कौन सी, 1932, या फिर एलएलपी एक्ट के अंदर, एलएलपी कोई भी फर्म चलती है, दोनों फर्म चलेगी. शर्त क्या है बोलो फटाफट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीए हैविंग सीओपी.
अगेन दे शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि यहाँ पे इंडिविजुअल और फर्म को उन्होंने बोला कि आप लोग ऑडिट कर सकते हो. इंडिविजुअल सी हैविंग सीओपी, फर्म हैविंग मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर सी हैविंग सीओपी. इन्होंने सिर्फ दो लोग को अलाउ किया, बाकी लोग. इसलिए कभी पलट के देखना पूरे मार्केट में, या तो आपको इंडिविजुअल सीए का बोर्ड मिलेगा या फिर पार्टनरशिप फर्म का मिलेगा, क्योंकि क्वालिफाई कितने लोगों को किया है, सिर्फ दो लोगों को क्वालिफाई किया हुआ है. सवाल यह है, दो लोग ही क्यों, इसके आगे और क्वालिफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दो लोग, यस कोई जवाब देना चाहेगा, क्यों सिर्फ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म को बोला आप ही ऑडिट कर सकते हो, क्यों ऐसा नहीं बोला गया कि आप कंपनी बनाओ, बहुत सारे सीए रखो और कंपनी आप दूसरे कंपनियों को ऑडिट करो, ऐसा क्यों नहीं बोला गया? एक सेपरेट लीगल एंटिटी और अकाउंटेबिलिटी. और सुन लीजिए, अकाउंट्स और ऑडिट बहुत ही सेंसिटिव काम है, भयंकर 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 सेंसिटिव काम है. डू यू अग्री विथ मी? यस नो? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. पेमेंट साइड कैशबुक में पेमेंट साइड की टोटल आई थी 16,30,000. 16,30,000 पेमेंट साइड की टोटल कितनी आ रही थी? 16,30,000. अगले पेज पे लिखो 16,80,000. अगले पेज पे कितना लिखो? 16,80,000. तीन का कितना कर दिया? 8. पेमेंट साइड बढ़ा दिया कितने हजार से? 50,000 से. बुक्स के अंदर का बैलेंस कम हो जाए कितने हजार से? 50,000 से. एक्चुअल कैश निकाल लो. इतना आसान है गड़बड़ करना? सिर्फ पेमेंट साइड की टोटल आ रही थी 16,30,000, उसको अगले पेज पे लिखा 16,80,000, पेमेंट साइड को 50,000 से बढ़ा दिया, एक्चुअल बैलेंस को 50,000 से कम कर दिया, और उतने पैसे तुमने ड्रॉअर से निकाल लिए, हो गई हेराफेरी. इतना सेंसिटिव काम है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इतना सेंसिटिव काम है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग. इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि लोग जिम्मेदारी ले इस काम की, लोग खुद जिम्मेदारी उठाए. क्योंकि जब लोग जिम्मेदारी उठाते हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, गलत काम हुए तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, तब जाके सही काम करेंगे. लेट पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर ओन. इसलिए सिर्फ इंडिविजुअल्स को बोला है तुम जिम्मेदारी दो ऑडिट की, तुम साइन करो. पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर साइन करता है फर्म के बिहाफ में और जिम्मेदारी उठाता है. अगर गलती हुई तो तुमको जेल जाना पड़ेगा, तुमको जुर्माने भरने पड़ेंगे, तुम्हारा सीओपी कैंसिल होगा, तुम्हारा मेंबरशिप कैंसिल होगा. मैं मिल चुका हूं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जिनका पूरा मेंबरशिप कैंसिल हो गया. जस्ट इमेजिन, 5-6 साल ला के सीए बने और उसके बाद मेंबरशिप कैंसिल हो गया. लाइफ टाइम नाउ यू कैनॉट बिकम सीए, लाइफ टाइम. इतना सेंसिटिव, बिकॉज इट इज सेंसिटिव, पीपल वॉन्ट देम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इनको सिर्फ अलाउ किया. नाउ क्विकली मुझे बताएंगे, ये फर्म है ए बी सी डी ई एफ, ये फर्म है, कम ऑन, कैन दे डू ऑडिट? फटाफट बताओ. ए है सीए प्लस सीओपी, बी है सीए प्लस सीओपी, सी सीए प्लस सीओपी, फिर डी बंदा कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ई है प्रैक्टिसिंग सीएम है, फिर एफ है एलएलबी लॉयर है. इनकी पूरी फर्म है, कैन दे डू ऑडिट? यस नो? यस नो? आंसर इज नो. 50% ऑफ द पार्टनर्स आर सीए हैविंग सीओपी, बट इट इज नॉट मेजॉरिटी. मेजॉरिटी इज मोर देन 50%. तो बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा ध्यान रखना, इट शुड बी मोर देन 50%. आप लिखते लिखते जो बातें बहुत क्रिटिकल लगे कि यार ये मैं आखिरी दिन के रिवीजन में रखना चाहता हूं, वो बातें आप नोट करते जाइए, बाकी मैं पूरे नोट्स अपलोड करने वाला हूं. जैसे यहां पे एक ही सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%, सिर्फ 50% कभी मेजॉरिटी होने वाला नहीं है. पुराने कंपनीज एक्ट में क्या था पता आपको? ऑल पार्टनर शुड बी सी हैविंग सीओपी. ये चेंज किया क्योंकि अभी फ्यूचर है इंडिया का मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स. आज से कुछ सालों में, आज से 2-3 सालों में आपको सिर्फ सीए फर्म्स नहीं मिलेगी, उसी फर्म में आपको एक ही रूफ में सब मिल जाएगा. उसी में आपको सीएस भी मिलेगा, उसी में आपको कॉस्ट अकाउंटेंट भी मिलेगा, उसी में आपको लॉयर भी मिलेगा, उसी में आपको आर्किटेक्ट भी मिलेगा, उसी में आपको एक्चुअरी भी मिलेगा. लेकिन बाकी लोग डर रहे हैं, भले ये सीए लोग सब खा जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टनर कौन है? सीए हैविंग सीओपी. इसलिए कंपनी सेक्रेटरीज बोले हमको नहीं करना ये काम. सब लोग घबरा रहे, गवर्नमेंट बोल रहा है घबराओ मत, एक साथ मिलके काम करो, क्योंकि कंपनी को सारी सर्विसेज एक जगह मिल सकती है. ओके, 141 किसके लिए? क्वालिफिकेशन. कितने लोग क्वालिफाइड है? दो, इंडिविजुअल और फर्म.
141 टू बहुत प्यारी बात बोलता है, पार्टनरशिप फर्म को आप रखो, उसको अपॉइंट करो ऑडिट करने के लिए, लेकिन जो बंदा ऑडिट को लीड करेगा और जो बंदा उसको साइन करेगा, ही शुड बी सीए हैविंग सीओपी। कंपनी सेक्रेटरी लीड करके साइन नहीं कर सकता, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं कर सकता, एलएलबी नहीं कर सकता, आर्किटेक्ट नहीं कर सकता, एक्चुअरी नहीं कर सकता, जो लीड कर सकता है वो कौन कर सकता है? सिर्फ सीए हैविंग सीओपी। 141 टू में लिखा है अगर ऑडिट फर्म है तो ध्यान रखना, ऑडिट शुड बी लेड एंड इट शुड बी साइन बाय अ पर्सन हु इज CA having COP, मतलब ही शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। 141(1) में दो लोगों की बात की है, 141(2) में उन लोगों ने बात की है कि जो बंदा लीड करेगा और साइन करेगा वो कौन हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है अर्णव, कि अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंपनी को जेल में नहीं जा सकते, बाकी इसमें जिम्मेदारी सीधा सर पे नहीं आती है, इसलिए बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया है। ओके, हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, जितनी चीजें एग्जाम में रिवाइज करने के लिए चाहिए उतनी होगी, हमारे नोट्स भी है वहां से भी हम लोग इसको फटाफट देखेंगे फिर, ठीक है। कौन सा सेक्शन शुरू किया? सेक्शन 141, पहला था सबसेक्शन 1, दो लोग, फिर था सबसेक्शन 2, किसने लीड करना चाहिए और किसने साइन करना चाहिए। सीएस कर सकता है? नो। सीडब्ल्यू कर सकता है? नो, ओनली सी हैविंग सीओपी। Now, इसमें भी वो पार्टनर, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा आदमी पार्टनरशिप फर्म में कौन होता है? पार्टनर। वो पार्टनर ये काम कर सकता है, हुई सी हैविंग सीओपी। क्या हाँ, डिस्क्वालीफाई आएंगे ना अभी। 141 सबसेक्शन 3 है, लेकिन 3 के पहले हमको 4 पढ़ना जरूरी है। आप सबको थोड़ी बहुत आइडिया होगी कौन लोग ऑडिट कर नहीं सकते, मतलब क्या डिसक्वालिफिकेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, फटाफट मुझे बताएंगे, रेडी है सब लोग? यस नो, ध्यान सुनो। आप सबको पता होगा कि अगर किसी सीए के ऊपर उधारी 5 लाख के ऊपर हो जाए, किसी सीए पे उधारी 5 लाख के ऊपर हो जाए, तो बंदा क्या हो जाता है? डिसक्वालिफाइड। इतना सबको पता है? इतना लॉ में पढ़ा है क्या सबने? नहीं भी पढ़ा होगा तो सुन लो, अगर कोई सीए के ऊपर बहुत उधारी हो जाए, अगर वो कंपनी से उधार ले ले 5 लाख से ज्यादा, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया है बहुत बड़ा, वो ऑडिट कर नहीं सकता, क्योंकि वो किसके दबाव में चल रहा? कंपनी के। अब मेरा आपसे सवाल है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक जनवरी 2023 को वो कंपनी से 25 लाख का लोन लेता है, ठीक है, जनवरी लोन चल रहा है, फरवरी लोन चल रहा है, मार्च लोन चल रहा है, अप्रैल लोन चल रहा है, मई लोन चल रहा है, जून लोन चल रहा है, 30 जून को वो लोन को रीपे करता है 25 लाख का, 25 लाख का लोन लेके रखा हुआ है कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए, 3 महीने पिछले साल के, पिछले फाइनेंशियल ईयर, यस नो? 3 महीने ये फाइनेंशियल ईयर के, यस नो? और 25 लाख का उसने लोन रीपे कर दिया, अब कंपनी सोच रही है कि उसको ऑडिटर अपॉइंट करे फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर वो सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग 15 जुलाई से उसको अपॉइंट करें एज ऑडिटर फॉर करंट फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर। क्या कंपनी का ये अपॉइंटमेंट सही है या गलत? केस सबको समझा क्या? लोन कब लिया? 1 तारीख, 1 जनवरी, रीपे कब किया? 30 जून, कितने महीने का लोन हुआ? 6 महीने का, 3 महीने लास्ट ईयर के, 3 महीने करंट ईयर के, उसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे कौन से साल से? करंट ईयर से ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, 15 जुलाई को उसको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। यू आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, इज दिस अपॉइंटमेंट वैलिड? यस नो? यस नो? यस नो? कैसा अपॉइंटमेंट है ये? इसके ऊपर लोन था और उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप क्या कर रहे हो? उसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो। This appointment is absolutely fine.
बिल्कुल सही है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 बोलता है यू हैव टू सीक डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. डिस्क्वालिफिकेशन को अप्लाई कब करना है? ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने जोर ही नहीं दिया, प्रॉब्लम बोलते हो, मैं भी तो गेम खेल रहा हूं. अपॉइंटमेंट कब था? 15. अरे अपॉइंटमेंट कब, सॉरी अपॉइंटमेंट कब था? 15 जुलाई. लोन रिपेमेंट कब हो गया था? 30 जून. लोन खत्म हो चुका था. आपको लॉ के वर्डिंग्स, भावनाओं के ऊपर नहीं जाना, यहां पे एग्जाम का केस है. आपको ये देखना है लॉ में क्या लिखा है. लॉ में लिखा है यू हैव टू सी डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर दैट. 15 जुलाई को उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, एब्सोल्युटली फाइन अपॉइंटमेंट. अगर 15 जुलाई को उसके ऊपर लोन होता तो वो क्या हो जाता? डिस्क्वालिफाई. इसका पैरेलल एग्जांपल, हर चीज का पैरेलल एग्जांपल दूंगा मैं. ठीक है सर, आपका नाम? हाँ, पुष्कर. हमारा होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान. लेने से पहले थोड़े से मजे तारीफ कर देने की. ठीक है, पुष्कर की शादी हो रही है सर. अभी तक मैं अंडे में से निकला नहीं बाहर, मेरी शादी करवा दे रहे. तो शुभम सर ने भी करवाई. अरे निधि भाभी आएगी, चिंता मत, याद करना. तो पुष्कर, अभी सर का नंबर कहाँ लगा हुआ है पुष्कर. तो पुष्कर शादी कर रहा है. देखो शादी के पहले कोई भी अफेयर अफेयर हो सब चलते, आजकल होता ही है सबका. क्यों प्रतीक भाई, होता कि नहीं? वो बोल रहे बिल्कुल सही है, होता है. बोले अरे दिल तो बच्चा है जी, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है. ठीक है, सबका ही होता है, बताऊंगा मेरा भी थोड़ा बहुत. मैडम को सब पता है. तो तो अगर शादी के दिन मंडप में उसके दिल में कोई और है, गलत बात. शादी इज वॉइड ऑफ इनिशियो. बोले सर शादी इज वर्ल्ड ऑफ इनिशियो. और सपोज पुष्कर ने शादी करी तब कोई नहीं था, उसके बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर करता है, बहुत बड़ा ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हस्बैंड. ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हस्बैंड. ठीक है, एग्जैक्टली यही लिखी बात यहां पे. इसलिए बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एग्जाम में केस आएगा इसको लेकर. इसलिए मैंने बोला यहां पे थोड़ा सा अलग लेवल पे जाता है, क्योंकि ये मेन टॉपिक है. एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर बंदा डिस्क्वालिफाइड है तो इट विल बी वॉइड एब इनिशियो. इट विल बी वॉइड एब इनिशियो. शुभम सर की शादी में नाचेंगे अपन, बराबर. हाँ पहले किसी को लाना पड़ेगा, है ना? तुमको तो ऐसे गूगल लोकेशन पता है, उसका पता है, मैं देख के ही बोले. फोटो भी दिखाया. किसी का भी फोटो अगर फोन में रहा तो वो भाभी बन जाएंगे ऐसा. ओके, ध्यान देंगे. तो इफ द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट तो इट विल बी वॉइड एब इनिशियो. ऐसा माना जाएगा अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है. और अगर आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है तो ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर. बोल, मेरे पीछे का दिख नहीं रहा है बराबर है, कैसे दिखे?
मतलब मैं इस पे क्या ही कमेंट करूं बराबर। अरे कभी कभी कमेंट कर भी होता जिसको सोच के कुछ अच्छा लगे जान दो। शुभम सर के पीछे केएमएस की लाइन लगी है। केएमएस क्या? केएमएस का फुल फॉर्म भी बता दे बेटा। हाँ अर्णवी है, ही इज ए रॉक स्टार, हाइपर एक्टिव है वो। ओके गाइस ठीक है, तो एक लाइन और लिख दो वहां पे। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन किलोमीटर्स, इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू हैव डिस्क्वालिफिकेशन बिफोर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड इट इज रिजॉल्व्ड। पहले कुछ भी हुआ हो और रिजॉल्व हो चुका है तो हमको कोई चिंता की बात नहीं है। यहां पे आप लोग क्यों कंफ्यूज हो पता है? आप लोग कंफ्यूज इसीलिए हुए क्योंकि मैंने आपको बोला उस फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने पढ़ रहे। लॉ में ऐसी वर्डिंग्स नहीं है किसी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर ऐसा लिखा होता किसी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर तो इस केस में बंदा क्या हो जाता? डिस्क्वालिफाइड। लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको देखना है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर अपॉइंटमेंट। पहले कुछ भी हो चलेगा। ओके गाइज क्विकली, हमारा टाइम जो है वो है ऑफिशियल 1:30 बजे का, करेक्ट? आपकी जो टाइमिंग है लगभग यही रहेंगे। हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे अगर किसी कोई क्लास का क्लैशिंग वैशिंग हो रहा है जो 5-10 मिनट या तो टाइमिंग जल्दी शुरू या लेट, ऐसा हो सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम गया तो। प्रॉब्लम नहीं है, हमारा टाइम रहेगा 11:15 और चलेगा 1:30 तक। गाइज आपको एक गूगल शीट मिलेगी, वही ग्रुप के ऊपर मैं डालूंगा, एक गूगल शीट मिलेगी। हर लेक्चर में हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर किए उसके ऑडियो रिवीजन की लिंक और उसके नोट्स सबकी लिंक आपको एक ही गूगल शीट में मिल जाएगी। खत्म करने से पहले फटाफट बैकग्राउंड देखने के बाद ऑडिट की डेफिनेशन सब लोग बोलेंगे। ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विद अल्टीमेट ऑब्जेक्ट टू गिव व्हाट ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 किसके ऊपर है? कंपनी ऑडिट। सेक्शन कहां से कहां तक? 139 से 148। 141 का 1 किसके लिए? क्वालिफिकेशन। 2 किसके लिए? ऑडिट फॉर्म। 3 किसके लिए? डिस्क्वालिफिकेशन। 4 किसके लिए? व्हेन टू अप्लाई डिस्क्वालिफिकेशन। 1 के हिसाब से क्वालिफाइड कौन है? सीए हैविंग सीओपी। पार्टनरशिप फॉर्म, मेजोरिटी ऑफ द फॉर्म पार्टनर्स आर सीए हैविंग सीओपी। 2 किसके लिए है? अगर ऑडिट फॉर्म है तो लीड और साइन कौन सा पार्टनर करेगा? सीए हैविंग सीओपी। और आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा सबसेक्शन 4, डिस्क्वालिफिकेशन कब देखना? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आफ्टर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में अगर डिस्क्वालिफाइड तो वॉइड एब इनिशियो, बाद में तो ऑटोमेटिक रिमूवल। मैं होमवर्क क्वेश्चन आज डाल दूंगा, ठीक है आप लोग बिल्कुल, और मैं सॉफ्ट कॉपी भी इस ग्रुप के ऊपर शेयर करूंगा जो आपको जरूरी है। ध्यान दो केस स्टडी कैसे लिखने आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल, लॉ में भी होता है। पहले लॉ क्या बोलता है वो लिखेंगे, सेक्शन नंबर, लॉ क्या बोलता है, फिर केस का डिस्कशन, केस का डिस्कशन और उसके बाद में कंक्लूजन। बहुत सिंपल सा है, आप लोग लिखिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, आप जो लिख कर लाएंगे वो मैं देखूंगा भी। बाकी क्वेश्चन आंसर आज टाइम खत्म हो गया, हम लोग कल देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, ऑडियो रिवीजन भी आ जाए।